नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अर्पित चौधरी यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चे फटाफट से जुड़ जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आज आपकी हिस्ट्री की क्लास होने वाली है। इतना अच्छा, इतना बेहतरीन मैम का रिव्यू आया है, आपको ऑनलाइन YT पे मैम को पूरा सपोर्ट करना है। ऐसा फील नहीं होने देना है कि आज मैम की पहली क्लास है। अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। और नेहा मैम मेरी बड़ी बहन के समान है, आपको जरा सी भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगी। प्यारे बच्चों तो आएंगी और आप प्लीज सपोर्ट करिएगा, मैं आपकी कमेंट जरूर पढ़ रहा हूँ और हिस्ट्री आपको ऐसी पढ़ाई जाएगी कभी किसी ने सोची नहीं होगी। लीजिए मैम, जय हिंद बच्चों। तो पहले तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो। जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। तो देखो बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री। ये आपकी हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है और हम हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में शुरू करेंगे एंशियंट हिस्ट्री। आपको पता है कि एंशियंट हिस्ट्री का वेटेज डे बाय डे बढ़ रहा है एग्जाम में, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि एंशियंट हिस्ट्री को हमें पढ़कर ही जाना है। तो आज हम जो फर्स्ट टॉपिक अपना शुरू करेंगे वो करेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोग अपने दोस्तों को इनवाइट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियोज़ को, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि शुरू होता है 2500 बीसी टू 1900 बीसी। अब क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो काफी पहले शुरू हो गया, तो हम इसको यहाँ पर क्यों स्टडी कर रहे हैं 2500 बीसी टू 1900 बीसी में? तो देखिए, हम किसी भी सिविलाइजेशन को वहाँ पर स्टडी करते हैं जब वो सिविलाइजेशन अपनी पीक पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कब अपनी पीक पे था? तो वो था 2500 बीसी से लेकर 1900 बीसी के बीच में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अपनी पीक पे था। ओके, तो आप देखते हैं इसके लिए कुछ फैक्ट, पहले इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको हम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो फर्स्टली हम इसको क्या बोलते हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो सबसे पहली बात करेंगे कि हम इसको हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहली सिटी जो पूरे इंडस वैली में डिस्कवर हुई थी वो थी हरप्पा, इसीलिए उसको ऑनर देने के लिए हमने क्या बोल दिया इसको, हरप्पन सिविलाइजेशन। और दूसरा, हम इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों कह रहे हैं? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन ब्रॉन्ज का यूज़ करना सीख गया। ब्रॉन्ज का यूज़ करना कैसे सीखेगा? जब ह्यूमन को कॉपर का यूज़ करना आता होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर ह्यूमन कॉपर का यूज़ करना भी जानता होगा। तो इसीलिए ये जो सिविलाइजेशन है ये हमारा किस एज से रिलेटेड है? ये है चालकोलिथिक एज से रिलेटेड, चालकोलिथिक एज से रिलेटेड। अब ये चालकोलिथिक एज क्या है? देखो, टोटल हमारे पास 5 टाइप की एजेस होती है। सबसे पहले है पेलियोलिथिक एज, दूसरा है मीजोलिथिक एज, तीसरा है नियोलिथिक एज, चौथा है चालकोलिथिक एज एंड पांचवा है आयरन एज। तो देखो बच्चों, अगर बात करें पेलियोलिथिक एज की, पेलियो मतलब होता है ओल्ड और लिथिक मतलब होता है स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज। मीजो मतलब होता है मिडिल एंड लिथिक मतलब होता है स्टोन, तो मिडिल स्टोन एज। नियो मतलब न्यू और लिथिक मतलब अगेन स्टोन, तो न्यू स्टोन एज। चालको मतलब क्या होता है? कॉपर।
इसका मतलब होता है कॉपर, और लिथिक मतलब होता है स्टोन से अगेन। तो यहाँ पर ह्यूमन कॉपर और स्टोन दोनों का यूज कर रहा है, और अगर कॉपर का यूज कर रहा है तो इसका मतलब उसके अलॉयज का यूज करना भी सीखेगा। तो अलॉयज का यूज कर रहा है तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। आयरन एज अभी नहीं आई है, आयरन एज हम लेटर वैदिक पीरियड में जाके पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों को आयरन का नॉलेज नहीं था। ओके, तो देखिए अगला है, बात की थी हमने कि यहाँ पे जो सबसे पहली सिटी थी वो हरप्पा डिस्कवर हुई थी। ये सिटी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहली विलेज, सबसे पहला विलेज इंडियन सबकॉन्टिनेंट का कौन सा था, तो वो था मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट विलेज है। ओके, नेक्स्ट है, इट वाज द लार्जेस्ट ऑफ द 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया एंड चाइना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में कि कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ चाइना में भी एक सिविलाइजेशन चल रहा है, मेसोपोटामिया में भी एक सिविलाइजेशन चल रहा है, और इजिप्ट में भी एक सिविलाइजेशन चल रहा है। मेसोपोटामिया मतलब आपका इराक वाला एरिया। तो बेसिकली इन सभी सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा सिविलाइजेशन कौन सा है, अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये जो भी चारों के चारों कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे उनमें सबसे बड़ा सिविलाइजेशन है कौन सा, हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट बात करें इसकी कैपिटल सिटीज़ की, तो कैपिटल सिटीज़ है हड़प्पा और मोहनजोदारो। हमें पता है कि सबसे ज़्यादा चीज़ें भी हमें हड़प्पा और मोहनजोदारो से मिल रही है, तो मीन्स बेसिकली ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। हड़प्पा और मोहनजोदारो क्या है, कैपिटल सिटीज़ है किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगली बात करें तो देखिए 1924 में जॉन मार्शल कौन थे, जॉन मार्शल बेसिकली थे डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि जो पुरातत्व विभाग से रिलेटेड है उसके डायरेक्टर थे। 1924 में जॉन मार्शल ने डिक्लेयर किया था किसको, एक न्यू सिविलाइजेशन को, इसकी डिस्कवरी की थी एक न्यू सिविलाइजेशन की, जिसको नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों 1924 में ये बात हुई, तो देखिए 1921 में सबसे पहले सिटी मिली थी हड़प्पा, 1922 में नेक्स्ट ईयर में ही दूसरी सिटी मिल गई थी मोहनजोदारो, आगे हम इसको पढ़ेंगे अभी। तो इतना तो कंफर्म था, दो इतनी बड़ी बड़ी सिटी मिली तो ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी थी यहाँ पर कोई ना कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए जॉन मार्शल ने क्या डिस्कवरी की कि हाँ यहाँ पर क्या है, एक न्यू सिविलाइजेशन की बात करी, किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अच्छा एक बात है, 1924 से पहले क्या किसी को पता नहीं चला था इस सिविलाइजेशन के बारे में, या इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो बिल्कुल देखिए 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, तो उनको एक हड़प्पन सील मिली थी, यूनिकॉर्न सील जिसे कहते हैं, हड़प्पन सील मिली थी जिसमें टोटल 6 लेटर्स लिखे थे। आप ये सील देख सकते हो यहाँ पे, ये रही सील, आई थिंक क्लियर होगा। तो देखिए इसमें 6 लेटर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिकॉर्न बुल की ये सील मिली थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, ये उतने लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई, एक सील से हम एक पूरा सिविलाइजेशन की बात तो कर नहीं सकते, तो इसको उतना रिकॉग्निशन मिल नहीं पाया, इतनी पहचान इसको मिल नहीं पाई। लेकिन जब 1921 में और 1922 में दो बड़ी बड़ी सिटीज़ की डिस्कवरी हुई, तब हमें क्या पता चला कि हाँ यहाँ पर एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है। ओके, तो आप लोगों को समझ आ रहा है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे अगर बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम की, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है बेसिकली 1875 में बनते हैं फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ ASI यानी फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे, किसी को कोई प्रॉब्लम, ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो
तो बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्टिव साइट्स की या फिर इसका एक्सपेंशन कितना था। ठीक है, तो एक्सपेंशन की बात करने के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे एक डायरेक्शन मैप। तो देखिए ये है हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अगर बात करें नॉर्थ में ये कहाँ तक एक्सटेंड थी ये साइट की बात करें तो ये थी जम्मू एंड कश्मीर तक, और यहाँ पर एक रिवर बहती है मांडा। तो नदन मोह साइट कौन सी है इसकी, जम्मू कश्मीर, जहां पर रिवर बहती है मांडा। ओके, बात करें सदन मोह साइट की तो सदन मोह साइट है इसकी दाइमाबाद, दाइमाबाद जो कि कहां पड़ता है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, दाइमाबाद महाराष्ट्र, और यहां पर कौन सी रिवर है, गोदावरी। गोदावरी रिवर की भी एक ट्रिब्यूटरी है प्रावरा रिवर, बट हम यहाँ पे अभी फिलहाल गोदावरी ही लिख लेते हैं, गोदावरी। ओके, अब बात करें ईस्टर्न मोस्ट साइट की, तो ईस्टर्न मोस्ट साइट इसकी कौन सी है, आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पड़ता है, यूपी में। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में, और यहाँ पर कौन सी रिवर बहती है, हिंडन रिवर। और अगर हम बात करें वेस्टर्न मोस्ट साइट की तो ये है आपका सुतकांगेडोर, जो कि पड़ता है आपका कहां पे, मरकान कोस्ट या फिर पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे, और यहां पर रिवर फ्लो करती है दास्त रिवर, दास्त रिवर। तो मतलब सिंपली अगर हम बोले कि जो नदन मोस्ट साइट है वो कौन सी है, जम्मू कश्मीर, जहाँ पे मांडा रिवर है। सदर्न मोस्ट साइट इसकी कौन सी है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है। ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, आलमगीरपुर यूपी। और अगर हम बात करें वेस्टर्न मोस्ट साइट की तो वो कौन सी है, सुतकांगेडोर, मरकान कोस्ट, इंडिया सॉरी ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। कोई डाउट यहाँ पे, क्लियर है? ओके, तो ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी बनता है। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो क्या क्या है, सबसे पहली बात करें तो आईवीसी इज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो सबसे पहला अर्बनाइजेशन क्या है इंडिया में, आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन है, रूरल सिविलाइजेशन नहीं है, अर्बनाइज सिविलाइजेशन है इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की भी हम बात कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें इसके फीचर्स की तो सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग, टाउन जो थे बहुत ही सिस्टमैटिक वे में प्लान किए गए थे, ऐसा नहीं था कि आज की तरह कहीं पे भी जहाँ पे मन आया, जहाँ पे जगह दिखे वहीं पे घर बना दिए हैं, सिस्टमैटिकली टाउन प्लानिंग थी। और द टाउन वर रेक्टेंगुलर फॉलोड द ग्रिड सिस्टम, तो देखो इस तरीके से रेक्टेंगुलर टाउन हुआ करते थे, और ग्रिड सिस्टम मतलब जैसे चेस बोर्ड होता है इस तरीके से, जो चेस बोर्ड होता है हमारा, इस तरीके से ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते थे। और सारी जो भी बेसिकली आपकी रोड्स थी वो राइट एंगल पे यानी 90 डिग्री के एंगल पे करती थी, आप यहाँ से जाओगे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो बेसिकली एक ग्रिड पैटर्न, एक ग्रिड सिस्टम को फॉलो किया जाता था, जहाँ पर जो रोड्स हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे होती थी और रेक्टेंगुलर था पूरा। ठीक है, उसके बाद रियली ओपन इनटू द मेन स्ट्रीट। अब ऐसा नहीं है कि दरवाजा खोलो आप डायरेक्टली मेन स्ट्रीट पर पहुंच जाओगे, ये जो ज़्यादातर ओपन होते थे इनके डोर वो बैक स्ट्रीट पर ओपन होते थे, बहुत कम आपको ओपनिंग दिखेगी मेन स्ट्रीट पर। तो यहाँ पर क्या है, पहला तो था कि टाउन कैसे थे, रेक्टेंगुलर थे, उसके अलावा ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते थे, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया जैसे चेस बोर्ड का सिस्टम होता है, और जो रोड्स थी वो किस पर थी, 90 डिग्री के यानी राइट एंगल पे थी, 90 डिग्री के एंगल पे थी, प्लस रेयरली ओपन इनटू द मेन स्ट्रीट, जो मेन स्ट्रीट है वहां पर बहुत ही कम जो है डोर ओपन होते थे डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद बात करें
यूज ऑफ ब्रंट ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या यूज किया गया है, ब्रंट ब्रिक्स जो आज यूज हो रहा है। तो आप देखिए ये चीजें आज यूज हो रही है और आज से कितने साल पहले हम लोग इन चीजों को यूज कर चुके हैं। तो ब्रंट ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स को जला के, जो ईंट होते हैं उनको भट्टी में जला के उसके बाद उनको यूज किया जाता था। तो ब्रंट ब्रिक्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। उसके बाद बात की जाए अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, देखो आज भी नहीं है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था जो बेसिकली आपका ड्रेनेज सिस्टम है वो अंडरग्राउंड था। और एक्सेप्शन इसका क्या है, बनावली। बनावली में आपको अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। अब देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको हर जगह पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिल रहा है लेकिन आपको बनावली में नहीं देखने को मिल रहा है। तो आपका क्वेश्चन भी यहीं से बनता है कि कौन सी हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट ऐसी थी जहाँ पर हमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। तो वो कौन सी साइट है, बनावली, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जायंट वाटर रिजर्वेयर्स इन धौलावीरा। धौलावीरा मात्र एक ऐसी साइट है जहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाए वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आँख बंद करके धौलावीरा, क्योंकि धौलावीरा का वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। यहाँ पर बेसिकली वाटर को रिजर्व करके रखा जाता था और जो आपका स्ट्रॉन्ग वाटर है उसके लिए बहुत अच्छा बेसिकली ड्रेनेज फैसिलिटीज अवेलेबल थी। तो वाटर मैनेजमेंट धौलावीरा का बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल सिटीज एवरी बिग और स्मॉल हाउस एट इट्स ओन कोर्टयार्ड और बाथरूम। देखो आज भी कितने जगह पे अपने खुद के बाथरूम्स नहीं है, खुद के कोर्टयार्ड नहीं है, लेकिन उस समय बहुत सारी सिटीज ऐसी थी जहाँ पर खुद के बाथरूम और खुद के कोर्टयार्ड हुआ करते थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना अर्बनाइज्ड ये सिविलाइजेशन था, ओके। उसके बाद बात करते हैं अगली फोर्टिफाइड सिटेडल की। अब ये फोर्टिफाइड सिटेडल मतलब जो किलाबंदी है, किले, फोर्टिफाइड सिटेडल, किला को क्या किया गया था, फोर्टिफाई किया गया था, ठीक है, चार दीवारी बिल्कुल। लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शन है, चरहुदारो। अच्छा, ये जो फोर्टिफाइड सिटेडल थे ये भी दो तरीके के हुआ करते थे। आपको मैं दिखाऊं सिटेडल, तो इस तरीके के सिटेडल होते हैं फोर्टिफाइड, इसको पूरा किलाबंदी की जाती है। तो ये भी दो तरीके के थे, एक अपर साइड में आपको देखने को मिलते हैं और एक लोअर साइड में। जो अपर साइड के सिटेडल हैं बहुत अच्छे, बहुत डेवलप्ड सिटेडल हैं, लेकिन लोअर साइड में उतने डेवलप सिटेडल नहीं है। तो इससे ये चीज़ पता लगती है, हम इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि मे बी हो सकता है कि जो अपर साइड के लोग, अपर साइड के सिटेडल होंगे या जो अपर साइड की जगह होगी वहाँ पर कोई रूलिंग क्लास रहती होगी, कोई रूलिंग अथॉरिटी रहती होगी। हमें पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है कि वहाँ पर कोई मर्चेंट क्लास, कोई रूलिंग क्लास वहाँ पर क्या करती होगी, रहती होगी, ठीक है। उसके बाद अगला है, इसका एक एक्सेप्शन है फोर्टिफाइड सिटेडल का, चन्हुदारो। चन्हुदारो में आपको फोर्टिफाइड सिटेडल देखने को नहीं मिलते हैं। तो क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा कि कौन सी जगह ऐसी है, कौन सी साइट ऐसी है आईवीसी की जहां पर हमें फोर्टिफाइड सिटेडल देखने को नहीं मिलते। तो कौन सी साइट है, चन्हुदारो, जहां पर हमें फोर्टिफाइड सिटेडल देखने को नहीं मिलता है, यानी किलाबंदी देखने को हमें नहीं मिलती है। अगली बात करें मेन क्रॉप्स की, मुख्य अनाज क्या हुआ करता था इनका मेन क्रॉप। तो देखिए व्हीट, बाले, ये थे मेन क्रॉप्स। और सबसे पहले वीट और बाले के भी जो एविडेंसेस मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से, जो मैंने आपको बताया था सबसे पहला गांव मेहरगढ़ से, ठीक है। सबसे पहली विलेज साइट जो है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, वहीं से हमें वीट और बाले के जो है अर्लीस्ट एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। अगला एविडेंसेस हमको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर राइस के, ठीक है, राइस के एविडेंसेस हम देखेंगे, हमें लोथल में राइस हस्क के एविडेंसेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका प्रीवियस ईयर में कि इंडस पीपल जो थे उन्होंने सबसे पहले, स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इंडस पीपल ही थे जिन्होंने सबसे पहली बार कॉटन का प्रोडक्शन शुरू किया था और द वर्ड इट वॉज कॉल्ड सिंडन बाय द ग्रीक्स। तो ग्रीक्स ने इसे क्या कहा है, सिंडन कहा है, उन्होंने कॉटन नहीं कहा है, कॉटन के लिए वर्ड क्या यूज़ किया है, सिंडन यूज़ किया है, किसने, ग्रीक्स ने। तो आपको देखो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहली कि ये कैसा था, एक अर्बनाइज सिविलाइजेशन था। दूसरा ये चीज़ कि सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग थी, ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते थे और रोड्स जो है वो राइट एंगल पे, आपकी राइट एंगल पे थी और आपका रियली ओपन होती थी कहाँ पर, मेन स्ट्रीट पर। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रंट ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था जिसका एक्सेप्शन क्या है, बनावली।
वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था बहुत अच्छा, कहाँ का, धोलावीरा का। उसके अलावा हमें यहाँ पे फोर्टिफाइड सिटेडल देखने को मिलते हैं, लेकिन लैक ऑफ फोर्टिफाइड सिटेडल हमें कहाँ मिल रहे हैं, चनूदारों में। उसके बाद मेन क्रॉप्स की बात की जाए तो वीट बाले जो है यहाँ पे मेन क्रॉप्स हुआ करती थी, और हमें राइस के एविडेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि वीट बाले राइस ये सारी क्या है, मेन क्रॉप्स हुआ करती थी IVC की। ठीक है, तो समझ आ रहा है, कोई डाउट है यहाँ पे? देखो मेहरगढ़ एक, मैंने बोला कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पहला विलेज साइट है। जैसे हमने बात करी कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो सबसे पहली सिटी डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा। ठीक है, तो कोई ना कोई विलेज भी रहा होगा, तो सबसे पहला विलेज कौन सा था अगर आपसे ये पूछा जाए तो मेहरगढ़, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो बलूचिस्तान का जो मेहरगढ़ है वो सबसे पहली विलेज साइट है। ओके, और कुछ? बेटा सिटेडल मतलब होता है आपका किला, किलाबंदी, लाइक जैसे आप लोग वो करते हो ना, फेंसिंग करते हो, उसी टाइप से सिटेडल होते हैं, किलाबंदी करना। ठीक है, ओके, फोर्टिफिकेशन नहीं पता, फोर्टिफिकेशन है। देखो आपका मैंने बताया ना, इस टाइप के इस टाइप से अगर मान लो, अब ये तो उस समय की रही नहीं है इस तरीके से, तो इसके चारों ओर चार दीवारी टाइप की जाती थी। मतलब जैसे आप घर के चारों ओर चार दीवारी कर रहे हो ना, तो उसी टाइप से क्या है, फोर्टिफाइड सिटेडल थे, यानी कि जो किलाबंदी की जाती थी, चारों ओर से चार दीवारी आपकी लगाई गई है। ओके, और कोई? हाँ, PDF मिल जाएगी आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो अब बात की जाए एनिमल्स की, तो यहाँ पे हमें कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको ये इम्पोर्टेंट कि कौन से एनिमल्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो जो नहीं मिले हैं हमको वो है लायन एंड काउ, तो ये थे अननोन। ठीक है, लायन एंड काउ वर नॉट नोन टू इंडस पीपल। उसके अलावा जो नोन है उनमें आपके क्या है, आपको शीप के दिख रहे हैं, ऑक्सन, गोट, बुल, बफेलो, डॉग, पिग, डियर, कैमल, टाइगर, ये सब देखने को मिल रहा है, लेकिन देखने को क्या नहीं मिल रहा है तो वो है लायन और काउ। ओके, उसके बाद आयरन इज नॉट नोन, पीपल अवेयर ऑफ कॉपर। तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, द पार्ट ऑफ चालकोलिथिक एज, और यहाँ पर आयरन, लोगों को आयरन का नॉलेज नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कॉपर का नॉलेज था। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे पहला मेटल कौन सा था जिसको बेसिकली जिसके बारे में लोगों को नॉलेज थी, तो सबसे पहला जो मेटल था वो कॉपर ही था, जिसको लोगों ने यूज़ करना शुरू किया था। तो यहाँ पर लोगों को आयरन का नॉलेज नहीं है, याद रखना, क्वेश्चन में दिया जाता है आपको गोल्ड दिया जाएगा, सिल्वर दिया जाएगा, पर आपने सिर्फ क्या देखना, आयरन। अगर वहाँ पर आयरन है तो क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, आयरन, जिसका नॉलेज उनको नहीं था। अगला, स्टेटाइट वॉज यूज मेनली फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सील। अब ये स्टेटाइट का यूज किया जाता था, ये क्या होता था, इज अ टाइप ऑफ रॉक, एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। तो ये एक स्टेटाइट एक रॉक टाइप होती थी और उसका यूज किया जाता सील बनाने के लिए। सील तो आपको पता ही होगा, सील क्या होता है, बेसिकली जो थप्पा वगैरह हम लगाते हैं सील, तो सील का यूज किया जाता था। और जो सील थी उस, वो सिमिलर टू द स्वास्तिका डिज़ाइन। देखो स्वास्तिका था या नहीं था इसके हमें कोई एविडेंसेस नहीं मिलते, लेकिन जो सील थी उनका जो डिज़ाइन था वो समहाउ स्वास्तिका जैसा था। हमें नहीं पता कि वो स्वास्तिका यूज करते थे या नहीं करते थे, लेकिन सील में जो है वो स्वास्तिक के डिज़ाइन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सील किसके, सील का यूज बना, सील बेसिकली किससे बनाई जाती थी, स्टेटाइट से बनाई जाती थी। उसके बाद अगली बात करें स्क्रिप्ट की,
तो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन द इंडस वैली इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सबसे पहली बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट की, तो ये है ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इस स्क्रिप्ट को कहा जाता था पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, पिक्टोग्राफिक, और जो राइटिंग स्टाइल थी उसे कहा जाता था बोस्ट्रोफेडन। और ये बोस्ट्रोफेडन राइटिंग स्टाइल क्या होती है, जहाँ पर आप पहले क्या लिखते हो, जैसे आपने पहले राइट टू लेफ्ट लिखा, कोई भी चीज़ लिखी आपने ए बी सी डी ई करके, देन आप लेफ्ट टू राइट आओगे एफ जी एच इस तरीके से। तो पहले एक बार राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और देन लेफ्ट टू राइट। लेकिन इट हैज़ बिन नॉट डिसिफर्ड सो फार, मतलब अभी तक का ये डिसिफर्ड नहीं है, यानी कि अननोन स्क्रिप्ट है, हम लोग अभी तक का इसको पढ़ नहीं पाए हैं, हम लोग अभी तक का इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो स्क्रिप्ट कैसी है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, राइटिंग स्टाइल कौन सा है, बोस्ट्रोफेडन है, जहाँ पर आप एक लाइन को क्या लिखते हो, राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट, जैसे एरमिक वगैरह में, ठीक है। तो पहले राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट, और स्क्रिप्ट क्या है, अननोन है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि सील के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है, स्टेटाइट का, स्टेटाइट जैसे टाइप ऑफ रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है, तो इससे क्या बनाई जा रही है, सील्स बनाई जा रही है। उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि आयरन की नॉलेज नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, किसकी नॉलेज है, कॉपर की। ऑब्वियसली जब हम इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोल रहे हैं तो किसका नॉलेज होगा, कॉपर का नॉलेज तो होगा ही ना, अगर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोल रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कौन से एनिमल्स के बारे में नहीं पता है, तो लायन एंड काउ की नॉलेज उनको नहीं है। ओके, कोई डाउट, बेटा जो अननोन होता है, डिसाइफर्ड मीन्स है कि जो अननोन है अभी तक का आपको, डिसाइफर्ड मतलब है कि उसके बारे में बेसिकली जानना, लाइक यहाँ पे मैंने बोला है इट हैज़ बीन नॉट डिसाइफर्ड, जिसको अभी तक का जिसकी नॉलेज नहीं है हमें, जिसके बारे में हमें नहीं पता, अननोन है, अननोन स्क्रिप्ट है वो, ठीक है। बेटा भी आएगा मोहनजोदारो, हम सारी की सारी साइट्स को वन बाय वन पढ़ेंगे, अभी हम केवल कॉमन फीचर्स पढ़ रहे हैं कि फीचर क्या क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, सोसाइटी इकोनॉमी और रिलीजन की बात कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो देखो, हड़प्पा वॉज पॉसिबली रूल्ड बाय रूलिंग क्लास मर्चेंट, हमें नहीं पता है, बट हम फिर भी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि मे बी हो सकता है यहाँ पे क्या होंगे, रूलिंग क्लास तो कोई ना कोई स्टेट अथॉरिटी यहाँ पे रही होगी, यानी कि कोई ना कोई रूलिंग क्लास यहाँ पे रही होगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया इनके सिटेडल देख के, अपर साइड के सिटेडल अलग है, लोअर साइड के सिटेडल अलग है, तो मे बी हो सकता है कि अपर साइड में कोई रूलिंग अथॉरिटी रहती होगी और लोअर साइड में आम जनता रहती होगी। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि हड़प्पा वॉज पॉसिबली रूल्ड बाय क्लास ऑफ मर्चेंट, मतलब कुछ यहाँ पे ऐसे होंगे कि जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्टेट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्लास ऑफ मर्चेंट यहाँ पे मे बी हो सकते हैं। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट और रेगुलर वेट एंड मेजर्स, तो बेसिकली देखो बहुत सारी सील्स हमें आपको देखने को मिल रही है। दूसरा, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, हर किसी की स्क्रिप्ट सेम है, हर किसी की स्क्रिप्ट क्या है, सेम है। और अगला, रेगुलर वे एंड मेजर्स, तो बेसिकली हर कोई क्या कर रहा है, वे यानी नाप तोल हर किसी का लगभग क्या है, सेम है। और नाप तोल के लिए भी बेसिकली एक सीरीज यूज़ की जाती थी, जो कि जिसकी जो बेसिक यूनिट होती थी वो मल्टीपल ऑफ 16 होती थी, 16 के मल्टीपल्स में होती थी बेसिक यूनिट, तो बेसिकली एक सीरीज में यूज़ किया जा रहा है, मल्टीपल होंगे 16 के, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर कोई भी एविडेंसेस नहीं मिलते हैं टेम्पल्स के, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में टेंपल के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेंपल के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, तो नो, हमें कोई भी टेंपल का यहाँ पे एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा हमें यहाँ पे बेसिकली
जो बहुत सारे विमेन फिगरेंस, जो टेराकोटा फिगरेंस हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। टेराकोटा क्या होता है बेसिकली, जब आप मिट्टी को पका लो, मिट्टी को पका के आपने देखा होगा खिलौने आते हैं जो मिट्टी के, उसी टाइप से टेराकोटा होते हैं। टेराकोटा है मिट्टी को पका के उसके खिलौने वगैरह बनाना, ये सब। तो यहाँ पे हमें टेराकोटा फिगरेंस दिखाई देते हैं। और अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, हड़प्पा में हम देखेंगे कि हमें वो भी दिखाई देगा कि एक फीमेल के वोम से एक प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद द पीपल ऑफ इंडस रिजन ऑल्सो वॉरशिप ट्रीज एंड एनिमल्स। तो देखो, बहुत ज़्यादा नेचर लविंग हुआ करते थे, तो ऐसे कोई टेम्पल के एविडेंसेस तो नहीं मिल रहे, बट हम ये बोल सकते हैं कि जितने ये लोग नेचर लविंग थे, जो कि हमको इनकी सील से, हमको जो भी फाइंडिंग्स है उससे पता चलता है कि मे बी हो सकता है ये लोग क्या करते होंगे, एनिमल्स की पूजा करते होंगे, ये लोग पेड़ पौधों की पूजा करते होंगे। सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी नेचर लविंग होते होंगे, ठीक है। तो ये है इंडस वैली की सोसाइटी, इकोनॉमी और रिलीजन की बात कर रहे हैं। उसके बाद द पीपल प्रोबेबली बिलीव इन घोस्ट एवर स्प्रिट एमिरेट्स हैज बीन फाउंड इन लार्ज नंबर। तो बेसिकली देखो, भूतों पर विश्वास करते हैं, भूत प्रेत आत्मा, और भूत प्रेत आत्मा से निपटने के लिए ताबीज वगैरह भी पहनते होंगे, ताबीज भी धारण करते होंगे। तो भूत प्रेत आत्मा पे भी ये क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, और उनसे निपटने के लिए ताबीज भी पहन, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नंबर में हमें क्या मिल रखे हैं, ताबीज भी देखने को मिले हैं। उसके बाद वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट, ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक था, गोल्ड सिल्वर प्रीसियस मेटल्स की, प्रीसियस स्टोन की, उसके अलावा आइवरी जो हाथी दांत होता है उनकी, इन सब के ऑर्नामेंट्स ये लोग यूज़ करते थे। अगला पोट्रीज, पोट्री मतलब बेसिकली जो इनके डिज़ाइनिंग होती है पोट्री वगैरह बनाने का, तो वो पेंटेड रेड और ब्लैक, जैसे मटका बनाएंगे तो उसको, उसका जो पूरा फिनिशिंग होगी वो रेड कलर्स में होगी, और पेंट पूरा रेड कलर में होगा, ब्लैक कलर की उसमें डिज़ाइनिंग की होगी। और डेड बॉडीज वर बरीड और क्रीमेटेड इन नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन। तो देखो, डेड बॉडी को क्या कर रहे हैं, बरी कर रहे हैं, उनको दफना रहे हैं, और जो डायरेक्शन होता था वो या तो नॉर्थ का डायरेक्शन होगा या साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, इस तरीके से नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन ये लेके चलेंगे। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। बजरंग बली का नाम लेने से उनको पता नहीं था ना कि बजरंग बली का नाम लेने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, ताबीज का यूज करते थे, क्या पता लेते भी होंगे, अब ये तो क्लियर है नहीं। बेटा मानना है अपना अपना नॉर्थ साउथ को, मे भी हो सकता है उनको लगता होगा हर किसी का अपने अपने बेसिकली रिवाज होते हैं, तो नॉर्थ साउथ क्यों, तो उनका मे भी रिवाज होगा कि भाई कुछ उससे मोक्ष मिल जाता होगा, साल्वेशन मिल जाता होगा, तो हम उसको बोल नहीं सकते कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही क्यों करते हैं। कौन सी पीछे की स्लाइड, ये लो, नोट्स में ये पूरा लिखना है, नोट्स तो आप अपने हिसाब से बनाइए। देखिए, मैंने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, आप उनको तो पढ़े ही पढ़े, साथ में एक बार सुपरफिशियली पूरी चीज़ों को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आते हैं तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए, अब आगे इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, वरना हम आगे बढ़ेंगे। ये आप लोगों के लिए एक मैप मैंने निकाला हुआ है, जहाँ पर आप साइट्स को देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे धोलावीरा है, यहाँ पे लोथल है, कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, आपका मोहनजोदारो, तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट साइट्स इसमें है। एक बार आपको जब बेसिकली हमारे ऐप पर SSB गाइड पे आपको मिल जाएगा, ये जो भी PDF है आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे आप इस मैप को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा जब हम साइट्स की बेसिकली स्टडी करें उससे पहले। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट साइट्स।
इम्पोर्टेंट साइट से आपका आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। और आप देखो प्रीवियस में कितने सारे क्वेश्चन आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के डायरेक्ट साइट से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम साइट में बात करेंगे किसकी, हड़प्पा की। हड़प्पा, अच्छा एक बात देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली मतलब इंडस वैली के आसपास, इंडस रिवर है तो इंडस रिवर यानी इंडस वैली के आसपास। लेकिन क्वेश्चन अगर बने कि हड़प्पा कौन सी रिवर के बैंक में सिचुएटेड है, तो रावी रिवर। वहाँ पर इंडस मत कराना ये सोच के कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कह रहे हैं तो हड़प्पा जो होगा वो इंडस रिवर के बैंक पे होगा। नहीं, हड़प्पा कौन सी रिवर के बैंक पे है, रावी रिवर के। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले सिटी हड़प्पा मिली थी, इसीलिए हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कह रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उसके इंडस के रिवर के बगल में हड़प्पा है, इसलिए नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कि हड़प्पा कौन सी रिवर के बैंक में है, तो रावी रिवर के बैंक में है, ओके। उसके बाद कहाँ पर ये पड़ता है बेसिकली, तो ये पड़ता है मॉन्टगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान। देखो जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, चाहे वो हड़प्पा हो चाहे वो मोहनजोदारो हो, ये सारी की सारी पाकिस्तान में पड़ती हैं। अब अपने इंडिया में जो साइट्स हैं वहाँ पे तो लगातार खुदाई चल रही है, वहाँ पे आए दिन चीज़ें मिलती रहती हैं। जिस दिन कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाएगा हम अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मिला नहीं है। लेकिन बात करी जाए हड़प्पा की, मोहनजोदारो की, यहाँ पे क्या खुदाई चलेगी। अब उनके पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है, वो खुदाई क्या करेंगे। तो पहले जब उनके पास खुद के खाने के लिए पैसे होंगे तभी तो वो खुदाई कर पाएंगे ना, तो ठीक है चलिए। तो हड़प्पा, तो आप हड़प्पा और मोहनजोदारो से तो बेफिक्र रहिए कि आपको और कुछ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो बात करें इसको सबसे पहले फाउंड किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की डिस्कवरी की थी, हड़प्पा साइट को खोजा था। तो हड़प्पा को सबसे पहली बार किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने। कब खोजा था, 1921 में, और कौन सी रिवर के बैंक में है, रावी रिवर के। और ये कहाँ पड़ता है, पंजाब पाकिस्तान में, उनके वाले पंजाब में, उनके मतलब पाकिस्तान में, सिंपल। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें मेजर फाइंडिंग्स की, हमको क्या क्या मेजर चीज़ें यहाँ पे मिली। तो पहली मेजर चीज़ हमें मिली है 6 ग्रेनरीज इन अ रो, यानी कि 6 ग्रेनरीज जिसमें अनाज रखते हैं रो में, 1, 2, 3, 4 1 by 1, 6 करके ऐसे एक पूरी लाइन में 6 ग्रेनरीज जिसमें क्या रखते हैं, अनाज रखते हैं। तो 6 ग्रेनरीज इन अ रो हमें कहाँ मिली है, हड़प्पा में मिली है, ओके। उसके बाद रेड सैंडस्टोन ऑफ मेल टॉर्सो, तो मेल टॉर्सो आपको मिला है, ये आप देख सकते हो मेल टॉर्सो, ठीक है। मेल टॉर्सो मतलब मेल धड़, जिसका ना हाथ है ना पाँव है, तो इस तरीके से हमें ये मेल टॉर्सो मिला, ठीक है। रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है ये। अगला स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के जो स्टोन पे हमें क्या मिले, सिंबल्स मिले हैं, ठीक है। कॉफिन बरियर मतलब क्या होता है, जैसे बरी करने के लिए जो वुड होता है ना, वुडन बरियर होता है, उसमें डाल दिया जाता है, तो वही है आपका कैफिन बरियर। उसके बाद मदर गॉडेस जिनके बेसिकली वर्म से एक प्लांट ग्रो कर रहा है, और हम उसको क्या बोल सकते हैं कि मे बी वो क्या होंगी, मदर अर्थ होंगी। डाइस, गैम्बलिंग वगैरह करते होंगे तो डाइस मिली है। पेंटेड पोट्री वही जो आपकी रेड एंड ब्लैक वेयर है। उसके अलावा क्वाड्रिलेटरल सील्स, तो सील्स का कैसे क्वाड्रिलेटरल शेप की है, इस तरीके की क्वाड्रिलेटरल सील्स मिली हुई है। एविडेंसेस ऑफ 2 सिमेट्री, तो 2 सिमेट्री ऐसे साथ में उनके एविडेंसेस, मतलब 2 सिमेट्रीज मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान टाइप, ठीक है। कब्रिस्तान, 2 कब्रिस्तान साथ में, कब्र। हाँ, ताबूत, कॉफिन मतलब क्या होता है, ताबूत, ठीक है। अभी आएंगे PYQ बेटा, पहले पढ़ तो लो। PYQ अभी कराएंगे, लेक्चर के लास्ट में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो आप लोग चिंता मत करो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यह है हड़प्पा। अगली हमारी इम्पोर्टेंट साइट है कौन सी, मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो, अब मोहनजोदारो कौन सी रिवर के बैंक में है, तो ये है इंडस रिवर के बैंक में। हड़प्पा रावी के, मोहनजोदारो इंडस के।
ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध डिस्ट्रिक्ट, सिंध लड़कान डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान में। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी हमें अब कुछ नहीं मिलने वाला है, तो बेफिक्र रहिए मोहनजोदारो की तरफ से भी और हड़प्पा की तरफ से भी। इसको किसने सबसे पहली बार फाइंड किया था? तो इसको किया था सबसे पहली बार राखल दास बैनर्जी ने, आर डी बैनर्जी। उसको किया था, हड़प्पा को किसने किया था? दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदारो को आर डी बैनर्जी ने नेक्स्ट ईयर 1922 में। वो है 1921, यह है 1922। लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिटी, सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो वो कौन सा था? मोहनजोदाड़ो। तो लार्जेस्ट सिटी है ये किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इट इज ऑल्सो नोन एज माउंट ऑफ डेथ, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्यों कह रहे होंगे इसको? बेसिकली क्या हुआ हुआ है यहाँ पे? बहुत सारी स्केलेटन, बहुत सारी अस्थियाँ, हड्डियाँ हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब बहुत सारी अस्थियाँ हड्डियाँ हमें यहाँ पे क्यों देखने को मिल रही होंगी? बेसिकली क्या हुआ होगा? मे बी हो सकता है एक बहुत बड़ा फ्लड आया हो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एक साथ मारे गए हो, या कोई पेंडेमिक की वजह से हो सकता है कि कोई ऐसी पेंडेमिक आई हो, कोई बीमारी आ गई हो जिसकी वजह से क्या हुआ, एक ही साथ बहुत सारे लोग मारे गए। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? माउंट ऑफ डेड बोलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला मेजर फाइंडिंग्स। तो देखिए मेजर फाइंडिंग्स की बात करें तो यहाँ पर हमें मिलते हैं ग्रेट बाथ। बात हमें सब जगह मिले, लेकिन ग्रेट कहाँ के थे? मोहनजोदारो के। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट बात हमें कहाँ पर मिले, तो मोहनजोदारो में। बात हर जगह मिल रहे हैं, लेकिन ग्रेट कहाँ पे है? मोहनजोदारो में। ग्रेट ग्रेनरीज, ग्रेनरीज हमें सब जगह मिली। अभी हमने हड़प्पा में भी पढ़ा था कि 6 ग्रेनरीज इन अ रो, लेकिन ग्रेट कहाँ पे मिली? मोहनजोदारो में। उसके बाद बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सबसे ज्यादा बेस्ट था। देखो ड्रेनेज सिस्टम हमें सब जगह मिला है बेनावली को छोड़ के, लेकिन बेस्ट कहाँ का है अगर ये पूछा जाए, तो बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कहाँ का था? मोहनजोदारो का था। उसके बाद ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, मतलब हो सकता है उस समय लड़कियाँ डांस वांस करती होंगी, तो वो क्या है, वहाँ पे हमें एक ब्रॉन्ज इमेज मिली है। किसकी? डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज इमेज। उसके बाद स्टेटाइट स्टेचू ऑफ अ बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी, उसका एक स्टेचू मिला है दाढ़ी वाला, जो होगा मे बी हो सकता है वो राजा वाजा कुछ हो, तो प्रीस्ट किंग टाइप, तो बियर्डेड मैन। पोस्ट क्रिमेशन बरियर, पोस्ट क्रिमेशन बरियर मतलब क्या कि जैसे मान लो पहले कि अगर डेड बॉडी को क्रिमेट कर दिया, डेड बॉडी को बेसिकली दफना दिया, उसके बाद कुछ टाइम बाद जाके उसके मिट्टी विट्टी को ला के फिर क्या करा, रख दिया, तो ये पोस्ट क्रिमेशन। तो इस तरीके से क्या होगा, पोस्ट क्रिमेशन बरियर। प्रीस्ट किंग, राजा, उसकी भी एक सील मिली है। सील ऑफ पशुपति या प्रोटो शिवा, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको प्रोटो शिवा किसने कहा है? सील ऑफ पशुपति को प्रोटो शिवा कहा है किसने? जॉन मार्शल ने कहा है, ठीक है, ये वही है डायरेक्टर ऑफ एएसआई। तो जॉन मार्शल ने जो सील मिली थी पशुपति की, उसको क्या बोला है? प्रोटो शिवा बोला है। और ये पूछा जाता है कि वो सील किस तरीके की थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या था, 3 horned head। तो देखो 1, 2, 3 horned head एंड इट्स रिप्रेजेंट इन द सिटिंग पोस्चर ऑफ योगी विद 1 leg प्लेस्ड अबव एंड द सराउंडिंग बाय। तो देखो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर है, जैसे आप योगा की पोजिशन में बैठते हो, जस्ट लाइक वैसे ही। तो आपका योगा की पोजिशन में बैठे हुए 3 horned head है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लेफ्ट साइड में हमें एलिफेंट और टाइगर देखने को मिल रहा है, और राइट साइड में हमें राइनोज और बफेलो। यहाँ पे देखो एलिफेंट और टाइगर देखने को मिल रहा है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है? राइनोज और बफेलो। तो 4 आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट 4 है। और उसके बाद 2 बेसिकली हिरन, 2 डियर कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? इनके फीट पे देखने को मिल रहे हैं। तो आपको टोटल कितने एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? पहला आपको देखने को मिल रहा है डियर 2 feet पे, उसके अलावा आपको क्या देखने को मिल रहा है? टाइगर देखने को मिल रहा है, उसके अलावा आपको एलिफेंट देखने को मिल रहा है, उसके अलावा आपको राइनोस और बेफेलो। तो टोटल 5 आपको एनिमल्स कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? इस प्रोटो शिवा, या फिर हम कह सकते हैं सील ऑफ पशुपति पे, ओके। उसके बाद आपका एक असेंबली हॉल भी मिला था, असेंबली हॉल। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता होगा कि कोई असेंबली वगैरह ऐसे कुछ, मतलब बेसिकली लोग क्या करते होंगे, गेट टुगेदर मिलते होंगे, तो इस तरीके से हमें एक हॉल भी देखने को मिला है कहाँ पे? मोहनजोदारो में। इन दोनों साइड्स में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
ओके क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्लियर होगा, आगे क्वेश्चंस करोगे तब ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो आगे देखिए, अगला है चन्हू दारू। तो चन्हू दारू ये भी पाकिस्तान, तो इसकी तरफ से भी आप बेफिक्र हो जाइए, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलने का है। बोला ना, खाने के लिए पैसे नहीं है, खुदाई के लिए क्या पैसे होंगे उनके पास। चलिए तो देखो, ये भी बैंक ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर के एक साइड आपका मोहनजोदारो पड़ता है और एक साइड चन्हूदारो, सिंध डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में। और इसको फाइंड किया था सबसे पहले एन जी मजूमदार ने 1931 में, ठीक है। अच्छा, चन्हूदारो इससे पहले भी हमने बोला था कहीं पे एक, जब मैं आपको फीचर्स बता रही थी आईबीसी के, तो बिल्कुल हमने बोला था सिटी विदाउट सिटेडल, जहाँ पर कोई भी आपको किलाबंदी देखने को नहीं मिली है। सिटी विदाउट सिटेडल कौन सी है? चन्हूदारो। हर जगह पे आपको किलाबंदी सिटेडल, फोर्टिफाइड सिटेडल देखने को मिल रहे थे, लेकिन कहाँ पर नहीं मिल रहे थे? चन्हूदारो में। तो ये क्या है? सिटी विदाउट सिटेडल। अगला, इंक पॉट भी देखने को मिल रही है, लिपस्टिक और काफ़ी ज़्यादा मेकअप का सामान यहाँ पे हमें देखने को मिला, कंघी मिल रही है, कॉम, काजल, ये सब देखने को मिल रहा है। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि लड़के करते थे मेकअप या लड़कियाँ करती थी, ठीक है। तो अब देख लो आप लोग किस हिसाब से होता होगा। तो लिपस्टिक, उसके अलावा कॉम, इन सब के भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। मेटल वर्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके अलावा बीड मार्केट एंड फैक्ट्री, मनका मतलब माला की फैक्ट्री मिली है हमें। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि हमें बीड मार्केट या बीड फैक्ट्री कहाँ देखने को मिली है, तो कहाँ देखने को मिली है? चन्हूदारो में। कहाँ पर आपको फोर्टिफाइड सिटेडल देखने को नहीं मिले हैं? चन्हूदारो में। कहाँ पर आपको मेकअप से रिलेटेड सामान देखने को मिला है? चन्हूदारो में। ओके, उसके बाद डॉग्स पॉ ऑन अ ब्रिक, कुत्ते के पंजे के निशान किस पर? ईंट पर। तो इसका मतलब क्या होगा? मे भी हो सकता है डॉग लवर हो, क्योंकि कुत्ते के पंजे के निशान अगर ईंट पर लगा रहे हैं तो इसका एक कॉमन हो सकता है, या तो फिर डॉग लवर होंगे, या कोई हो सकता है कि कुछ सुपरस्टिशियस वगैरह, अंधविश्वास या कुछ ऐसी चीज होगी, बट हम तो मान लेते हैं कि डॉग लवर होंगे। ओके, उसके अलावा ब्रॉन्च टॉय कार्ट, मतलब बहुत सारी ब्रॉन्च से बनी हुई कार्ट आपको देखने को मिल रही है। टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट, तो मैंने आपको टेराकोटा पहले भी बताया था कि मिट्टी को क्या करके गर्म करके उसको जला के जो अभी जो टॉय वगैरह बनते हैं उसी टाइप से क्या बनाई है, बहुत सारे कार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कोई आपको सिटेडल नहीं मिले। बीड मार्केट सबसे बड़ी आपको चन्हूदारो में मिली है। उसके अलावा मेटल वर्क यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और मेकअप का सामान भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद कंफर्म नहीं है ना, लड़के भी तो कर सकते हैं, आजकल तो लड़के ही कर रहे हैं ज्यादातर मेकअप, देख नहीं रहे हो तुम लोग टिकटॉक में? टिकटॉक तो बंद हो गया, सॉरी, वो रील्स पे, इंस्टा के रील्स पे ज्यादा लड़के मेकअप कर रहे हैं आजकल, लड़कियों से लड़के आजकल लड़कियां बने पड़े हैं। चलो अगला है लोथल। तो लोथल की बात करें, लोथल जो है बैंक ऑफ भोगवा रिवर, अहमदाबाद, गुजरात। तो ये साइट कहाँ पड़ती है? अपने इंडिया में, गुजरात में। तो अपने भारत में ये साइट पड़ती है लोथल, और कौन सी रिवर के बैंक में है? भोगवा रिवर के। इसकी डिस्कवरी की थी एस आर राव ने 1953-54 में। इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी एंड नावल साइट ऑफ आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी आपको पता ही होगा क्या होती है, जहाँ पे बेसिकली क्या है, ट्रेड वगैरह हो रहा है, जहाज वगैरह आके रुक रहे हैं, और दूसरा नावल साइट है। अच्छा, अब अगर ये इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी और नावल साइट है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे डॉक यार्ड देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो डॉक यार्ड देखने को कहाँ पे मिल रहा है आपको? लोथल में, ठीक है। अब एक चीज़ है, सिंपल बात है, अगर ये पोर्ट सिटी है तो यहाँ पे से ट्रेड भी होता होगा, ठीक है। और ये ट्रेड किसके साथ करते थे? ज़्यादातर ये मेसोपोटामियन पीपल जो होते थे, मेसोपोटामियन जो बेसिकली सिविलाइजेशन जो चल रहा है दूसरे कोने पे, वहाँ पर इनका ट्रेड था। और मेसोपोटामिया के लोग जो हैं, इंडस वैली के लोगों को क्या कहा करते थे? मेलुहा नाम दिया है किसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को। वो नहीं बोलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो हम बोल रहे हैं, वो लोग बोलते थे इनको मेलुहा। ओके,
और हमें ये कैसे पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे ट्रेड चलता हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें पर्शियन और ईरानियन सील देखने को मिल रही है जो कहाँ पे यूज होती है, मेसोपोटामिया में यूज हो रही है, तो यहाँ पे हमें वहाँ की सील देखने को मिल रही है। और सील कब आएगी? ऑब्वियसली जब ट्रेड आप कर रहे हो तभी तो सील आएंगी। उसके अलावा यहाँ पर हमें ग्रेनरीज अगेन, लेकिन सबसे बड़ी मोहनजोदारो में, उसके बाद राइस हस्क, चावल के आपको हस्क जो चावल का बाहर का छिलका होता है वो, जॉइंट बैरियर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो देखो ऐसा कहीं से भी कोई एविडेंसेस हमें यहाँ पे सती का नहीं मिलता है कि यहाँ पे सती कमिट की जाती होगी या सती परफॉर्म की जाती हो, हमें नहीं पता। लेकिन जॉइंट बैरियर ऑफ मेल एंड फीमेल का क्या मतलब है भाई? अगर मेल मर रहा है तो फीमेल भी मर जाती होगी, मतलब सिंपल सी बात है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज़ें होती होंगी, बट हम क्लियरली नहीं कह सकते कि हाँ सती ही परफॉर्म की जाती होगी। लेकिन वही बात है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार मेल मरा और उसके जस्ट बाद फीमेल भी मर जाए उसके दुख में, इतना दुख भी किसी को नहीं होता। तो जॉइंट बैरियर ऑफ मेल एंड फीमेल, उसके अलावा टेराकोटा फिगर्स ऑफ हॉर्स। तो यहाँ पे ये लाइन को अच्छे से सुन लो, टेराकोटा फिगर्स ऑफ हॉर्स यानी कि जो मिट्टी के जो बेसिकली मैं बता रही हूँ आपको टेराकोटा फिगरेंस, जो मिट्टी को भून के या मिट्टी को गर्म करके जो बनाया गया है वो हॉर्स मिला है यहाँ पे। एक्चुअल हॉर्स के रिमेन्स नहीं है, ये टेराकोटा फिगर्स है हॉर्स के। उसके बाद थ्री पेयर सिमेट्रीज, तीन पेयर में एक दो तीन, इस तरीके से पेयर में सिमेट्रीज यानी कि कब्र भी मिली है। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंटली क्या क्या पता करना है भाई? एक तो ये यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है, नावल सिटी है, डॉकयार्ड मिलना कॉमन है। ग्रेनरीज ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी मोहनजोदारो, तो आप मोहनजोदारो की याद रखिए, और सिक्स ग्रेनरीज इन अ रो में हड़प्पा याद रखिए। राइस हस्क यहाँ पे हमें देखने को मिला, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जॉइंट बैरियर ऑफ मेल एंड फीमेल अगेन इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा फिगर्स ऑफ हॉर्स, तो टेराकोटा फिगर्स यहाँ पे हॉर्स के मिल रहे हैं, एक्चुअल रिमेन्स नहीं मिल रहे। पर्शियन और ईरानियन सील, सिंपल, ये तो सोचने की भी जरूरत नहीं है भैया, अगर ट्रेड हो रहा है तो सील तो मिलेंगी। और कहाँ पे ट्रेड होता था? मेसोपोटामियंस के साथ ट्रेड होता था। मेसोपोटामियन के लोग इन्हें क्या बोलते थे? मेलुहा बोलते थे। उसके अलावा यहाँ पे थ्री पेयर्ड सिमेट्रीज आपको देखने को मिल रही है, यानी कि एक एक करके तीन कब्रें एक साथ, एक कब्र, दो कब्र, तीन कब्र, तो इस तरीके से आपको कब्रें देखने को मिल रही है। ये देखो, ये रही सील्स जो है आपकी, जो पर्शियन सील हमें यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए। डॉकयार्ड बेटर वो प्लेस होता है जहाँ पर बेसिकली आप जो भी शिप वगैरह होती है उनकी मेंटेनेंस करते हो, उनकी रिपेयरिंग कर रहे हो, तो बेसिकली ट्रेड करने के लिए आपको शिप का जरूरत पड़ता होगा, तो उसकी जो भी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग जहाँ पे की जा रही है वो है डॉकयार्ड। ठीक है, टोटल कितनी साइट्स है? अच्छा, अभी से ही गुस्सा आने लग गया इन साइट्स को देख के, अभी तो शुरू ही हुई है ये साइट्स। अच्छा, अगला है धौलावीरा। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा आपका पड़ता है अगेन अपने इंडिया, अपने भारत में, गुजरात में। तो गुजरात में लूनी रिवर के बैंक में, और जहाँ पर आपका गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ डिस्ट्रिक्ट पर ये आपका पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा साइट्स आपको कहाँ देखने को मिली है, तो गुजरात में, आपको खुद ही पता चल जाएगा गुजरात। और इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? जेपी जोशी, जगतपति जोशी ने 1967-68 में। और इसके बाद यहाँ पर दोबारा अपनी जो रिसर्च की थी वो की थी आर एस बिस्ट ने 1985 में। आपको बहुत सारी बुक्स में यहाँ पे आर एस बिस्ट दिया रहता है, बट वो गलत है। पहले इसको जेपी जोशी ने डिस्कवर किया था, देन आर एस बिस्ट ने। ठीक है, उसके बाद हम बात करें धौलावीरा, तो मैंने आपसे नाम से ही बोला था वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिजर्वेयर्स, तो ये वाटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी उसका आंसर क्या? धौलावीरा, आँख बंद करके। तो वाटर रिजर्वेयर सिस्टम, यहाँ पे यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम। अब देखो, आप वाटर को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है कि जिस समय जरूरत पड़ेगी उस समय उसको यूज कर लेंगे। तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कितना अच्छा है वहां पे, जो लोग आज भी नहीं कर पा रहे वो लोग कितने टाइम पहले वो चीजें कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एविडेंसेस ऑफ स्टेडियम, अब स्टेडियम के एविडेंसेस भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब स्टेडियम में कोई क्रिकेट या फिर आपका फुटबॉल नहीं होता होगा, अब उस समय उनको क्रिकेट और फुटबॉल का तो पता नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता होगा? स्टेडियम में बेसिकली गेट टुगेदर, पार्टी वार्टी करते होंगे मिलके सब लोग। ठीक है, उसके बाद ओनली साइट डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट। अब ये क्या है भाई? ओनली साइट डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट,
तो देखो ये एकमात्र आईवीसी की ऐसी साइट है जहां पर आपको अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्ली फेज भी देखने को मिल रहा है, मिडिल फेज भी देखने को मिल रहा है, और जो एंड फेज है वो भी देखने को मिल रहा है। तो हम तो क्या पढ़ रहे हैं, जो पीक फेज है, मिडिल फेज है, जो वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो अर्ली फेज और एंड फेज है वो भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसके बाद हरप्पन इंस्क्रिप्शन साइन बोर्ड, तो यहाँ पे आप देखो ये साइन बोर्ड आपको मिला है जिसमें हड़प्पा के इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं और टोटल 10 इंस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब जैसे कि मैंने बोला स्क्रिप्ट क्या है, अननोन है, मेरे को तो नहीं पता ये क्या लिखा है, अगर आप लोगों में से कोई इसको डीकोड कर दे तो बता दीजिएगा। तो यहाँ पर बेसिकली 10 आपको हड़प्पन इंस्क्रिप्शन साइन बोर्ड पे देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट धोलावीरा के बाद है सुरकोटाडा। तो देखिए सुरकोटाडा अगेन गुजरात में भोगवा और साबरमती रिवर के पास में, इसको भी जेपी जोशी ने 1972 में डिस्कवर किया था। अब यहाँ पर मेजर फाइंडिंग्स में ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो मेजर फाइंडिंग्स हमें मिली, सबसे पहला ओनली साइट विद हॉर्स रिमेन्स। इससे पहले मैंने आपको बताया था लोथल, और लोथल में मैंने आपको क्या बोला था, टेराकोटा फिगरेंस मिले थे, लेकिन अगर बात करें हॉर्स के रिमेन्स हमें एक्चुअल में कहाँ देखने को मिले, तो वो कहाँ देखने को मिले, सुरकोटाडा में। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हॉर्स के रिमेंस, और आप उसमें लोथल मत आंसर लगाइएगा, अगर हॉर्स के रिमेंस पूछे तो आप रिमेंस कहाँ लगाएंगे, सुरकोटाडा, लेकिन अगर आपसे टेराकोटा फिगरेंस पूछे हॉर्स के कहाँ देखने को मिले, तब आपका आंसर होगा लोथल। ओवल ग्रेव और पिट बैरियर, मतलब जैसे नॉर्मली ग्रेव जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ओवल शेप का, और काफी गहरे गड्ढे किए हुए हैं, काफी गहरा है मतलब वो, तो ओवल ग्रेव और पिट बैरियर, मतलब बहुत जो है बेसिकली बहुत खुदाई करी हुई है उसको, काफी चौड़, मतलब कह सकते हैं गड्ढा किया हुआ है, काफी ज्यादा बड़ा गड्ढा किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला है कालीबंगा। आपको सुरकोटाडा में ये जरूर याद रखना है कि ओनली साइट विद हॉर्स रिमेन्स, भूलना मत इसको, इम्पॉर्टेंट है। अब बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा अपना पड़ता है घग्गर रिवर के बैंक में, जो कि कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। इसको आमलानंद घोष ने 1953 में सबसे पहले डिस्कवर किया था, बाद में बी वी लाल ने, बी के थापर ने, हमको उससे मतलब नहीं। मेजर फाइंडिंग्स की बात करें, देखो कालीबंगा, बंगा मतलब यहाँ से नाम से लगा ना, बैंगल से, तो सबसे बड़ी बैंगल चूड़ी की जो मार्केट अभी भी राजस्थान में आपको पता है बहुत ज़्यादा बैंगल के लिए फेमस है, तो बैंगल फैक्ट्री आपको कहाँ देखने को मिलती है, कालीबंगा में, कालीबंगा बैंगल, ठीक है, तो बैंगल। उसके अलावा 7 फायर अल्टर्स, तो फायर अल्टर्स मतलब क्या, यज्ञ वेदिका जिसमें यज्ञ वगैरह परफॉर्म किया जाता है। अब देखो हमको मंदिर के कोई एविडेंसेस देखने को नहीं मिले, ठीक है, 7 फायर अल्टर्स, तो फिर वो फायर अल्टर्स में होता क्या हुआ, मतलब इसका मतलब यह है कि हाँ मे बी हो सकता है पूजा पाठ तो करते ही है वो, ठीक है, अर्थ को पूजा पाठ कर रहे हैं, नेचर की पूजा पाठ कर रहे हैं, ट्री है, पशुपति हैं, तो मे बी ये हो सकता है कि यज्ञ हवन वगैरह भी करते होंगे, तो 7 यहाँ पे हमें फायर अल्टर्स देखने को मिले हैं, यज्ञ वेदिका जिसे कहते हैं, जिसमें होम यज्ञ वगैरह करते हैं, ठीक है। कैमल बोन तो अगर मैं नहीं भी बताती तो आप दिमाग लगा ही लेते कि राजस्थान में है तो क्या मिलेंगी, ऑब्वियसली कैमल बोन्स मिलेंगी, ऊँट की हड्डियाँ। उसके बाद प्लोफिट सरफेस, अब ये क्या है, प्लोफिट सरफेस आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये भी आपको कालीबंगा में देखने को मिला है। प्लोफिट सरफेस मतलब क्या है कि सरफेस पे बेसिकली आपको दिख रहा है कि जोता हुआ सा, मतलब हल चलाया हुआ प्लोफिट सरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके अलावा वुडन प्लो लकड़ी का जो प्लो है वो आपको देखने को मिल रहा है, हल जिसे कहते हैं। एविडेंसेज ऑफ सर्जरी एंड अर्थक्वेक, इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुई है कि हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे अर्थक्वेक आया होगा, और यहाँ पर हमको कुछ एविडेंसेस मिल रहे हैं सर्जरी के भी, कि यहाँ पे सर्जरी वगैरह भी परफॉर्म की जाती होगी। तो आप देखिए कि कितना एडवांस सिविलाइजेशन है ये, जो आज भी हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं ये उस सिविलाइजेशन में हो चुकी हैं, हैं, और फिर कुछ लोग आके बोलते हैं इंडिया पिछड़ी हुई कंट्री थी, बताइए। अच्छा, अगली है बनावली। तो बनावली जो है आपका फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है। आर एस बिष्ट ने 1973, आपको हर किसी के बेसिकली फाउंडर का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट के नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन पहले पहले आपको पढ़ने जरूरी है स्टार्टिंग के, ओके। उसके बाद मेजर फाइंडिंग्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको ओवर शेप सेटलमेंट देखने को मिल रहा है।
अभी तक का हमने जितनी भी जगह पे पढ़ा, हमने बोला था रेक्टेंगुलर सेटलमेंट था प्लस ग्रिड पैटर्न को फॉलो करता था, वो चेस बोर्ड वाला ग्रिड पैटर्न को फॉलो करता था, और 90 डिग्री के एंगल पे रोड्स क्या होती थी, खुलती थी, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमें किस तरीके से दिख रहा है, ओवर शेप सेटलमेंट, ओवर शेप। अगर ओवर शेप सेटलमेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, रेडियल स्ट्रीट, इस तरीके से मल्टीपल स्ट्रीट होंगी, रेडियस होती है ना ये रेडियस, तो रेडियल स्ट्रीट, ठीक है, तो रेडियल स्ट्रीट यहाँ पे मतलब मल्टीपल रोड्स होंगी। तो फर्स्ट तो है ओवर शेप सेटलमेंट विद ओनली सिटीज विद रेडियल स्ट्रीट, ठीक है। उसके अलावा लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम, इसकी हम बात कर चुके हैं बनावली की पहले भी, कि यहाँ पर हमें ड्रेनेज सिस्टम की कमी देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, ठीक है। लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग, ये मैं बता चुकी हूँ कि अगर ओवर शेप है तो ग्रिड पैटर्न फॉलो होगा नहीं, सिंपल है। क्लेम ऑर्डर ऑफ प्लॉ, अब देखो वहां पे हमें क्या मिले, प्लॉफील्ड, कालीबंगा में हमें मिले प्लॉफील्ड, लेकिन क्ले मॉडल, मिट्टी का जो मॉडल है क्ले का, वो किस कहाँ पर मिला है हमें, बनावली में। वुडन प्लॉ कहाँ मिला है, कालीबंगा में। क्ले मॉडल कहाँ मिला है, बनावली में। उसके बाद बात करें राखीगढ़ी की, तो राखीगढ़ी आपका अगेन हरियाणा में घग्गर रिवर के पास में मिलता है। आवनानंद अमरेंद्र नाथ ने 1963 में इसको डिस्कवर किया था। इट इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी इन इंडिया। अगर आपसे इंडिया की आईवीसी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट पूछी जाए तो कौन सी है, राखीगढ़ी है, ठीक है। सबसे बड़ी पूरी ओवरऑल अगर सिटी पूछी जाए तो मोहनजोदारो है, लेकिन इंडिया में अगर पूछी जाए तो आपकी कौन सी है, राखीगढ़ी है। मेजर फाइंडिंग्स, उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें मिली नहीं है, ग्रेनरी वो हमें हर जगह मिल रही है, सिमेट्रीज वो हमें हर जगह मिल रही हैं, टेराकोटा ब्रिक्स हमें हर जगह मिल रहे हैं, ग्रेनरी विथ 7 रेक्टेंगुलर चैम्बर्स, ये थोड़ा डिफरेंट है। 7 रेक्टेंगुलर चैम्बर मतलब आप समझो रेक्टेंगुलर शेप के चैम्बर्स हैं, और उस तरीके की ग्रेनरी मिल रही है हमें, तो ये थोड़ी अलग टाइप की ग्रेनरी यहाँ पे देखने को मिल रही है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे कॉमन है। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये क्या है, इंडिया की आईवीसी की सबसे लार्जेस्ट साइट है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। हॉल 2 वालों पढ़ लो, क्लास में पढ़ाई हो रही है तुम्हारी। हाँ बेटा, राखीगढ़ी में इन जगह पे हमारा काम चलता रहता है, मैंने बोला ना हमारे पास बहुत पैसा है, हम लोग खोदते रहेंगे, पाकिस्तान के पास नहीं है तो उनका नहीं चल रहा है, अपना चल रहा है काम। जिस दिन अच्छा वाला कुछ चीज मिल जाएगा नोट्स में ऐड हो जाएगा, चिंता मत करिए। पढ़ लो, यहाँ पे पढ़ लो, ये अपनी चैट वगैरह बंद करो, ये चैट काम नहीं आएगी बेटा, 35 डेज बचे हैं अब। ओके, अगला है आपका, अगली साइट है रोपड़। तो रोपड़ कहाँ पे है, देखिए ऑन द बैंक ऑफ सतलज रिवर, कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में आपको रोपड़ मिला। यहाँ पर इसको फाइंड किया था सबसे पहले वाईडी शर्मा ने 1953 में। फर्स्ट साइट टू बी फाउंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के बाद जो आपको सबसे पहली साइट हमने डिस्कवर की थी वो कौन सी थी, रोपड़ थी। कब डिस्कवर की है, 1953 में। देश कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। तो 1953 में जो हमें पहली साइट मिली थी इंडिपेंडेंस के बाद वो कौन सी है, रोपड़ है। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन भी बन सकता है इससे रिलेटेड कि कौन सी साइट जो है हमें इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद मिली थी, तो कौन सी मिली थी, रोपड़ मिली थी। अब बात करें इसमें मेजर फाइंडिंग्स की, डॉग बरीड विद ह्यूमन, कुत्तों को ह्यूमन के साथ बरी गया, सॉरी कोई कुत्ता कहने में बुरा मत मान जाना, बट डॉग बरीड विद ह्यूमन, तो डॉग को क्या किया है, ह्यूमन के साथ बरी किया। अब देखो ये भी थोड़ा इम्पॉसिबल सा नहीं है कि इंसान मरे और उसका कुत्ता भी मर जाए, या कुत्ता मरे या डॉग मरे तो इंसान भी मर जाए, थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा। अब ये तो आप सोच भी नहीं सकते कि डॉग की डेथ हुई तो इंसान को जिंदा दफना दे, ये हो सकता है कि मे बी इंसान मरा तो डॉग को दफना रहे, तो यहाँ पर क्या है, डॉग बरीड विद ह्यूमन, तो ह्यूमन के साथ डॉग को बरी किया हुआ है। उसके अलावा कॉपर एक्स, कॉपर की जो एक्स है, कुल्हाड़ी वगैरह, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पूछिए।
हाँ, हम लोग पाकिस्तान को भी खरीद लेंगे, चिंता मत करो। खरीदना क्या है, तुम लोग बनोगे ना, जीत के लाओगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान ठीक है, चलिए। हाँ, इंसान को अपने पैट्स के साथ नहीं, इंसान को स्पेशली डॉग के साथ बरी किया हुआ है। पैट्स तो बहुत टाइप के होते हैं ना, तो यहाँ पे हमें डॉग के साथ बरी करने का दिख रहा है कि ह्यूमन को डॉग के साथ बरी किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगली साइट है आलमगीरपुर। अच्छा, आलमगीरपुर कौन सी साइट थी बताओ, जल्दी बताओ, आलमगीरपुर कौन सी साइट थी, कहाँ पे थी आलमगीरपुर, जल्दी बताइए। आलमगीरपुर तो देखिए, आलमगीरपुर आपका कहाँ पे थे, यूपी में, ईस्टर्न मोस्ट साइट थी ना आलमगीरपुर, याद करो। ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी थी, यहाँ पे आलमगीरपुर, जो कि यूपी में हिंडन रिवर के बैंक में था। तो आलमगीरपुर बैंक ऑफ सबसे पहले यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी है हिंडन। एक्चुअल में अगर पूछा जाए तो हिंडन रिवर या फिर यमुना, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेजर फाइंडिंग्स की बात करें, ब्रोकन कॉपर ब्लेड, तो कॉपर ब्लेड, ब्रोकन कॉपर ब्लेड, ब्लेड आप लोग यूज करते हो तो वही है, कॉपर ब्लेड जो मिली है, लेकिन वो टूटी हुई कॉपर ब्लेड मिली है हमें। अगला, सेरेमिक आइटम, सेरेमिक मतलब मिट्टी के जो आइटम्स होते हैं, सेरेमिक आइटम, मिट्टी के आइटम बहुत सारे यहाँ पे मिले हैं। इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन अ थ्रो, यानी कि हमें यहाँ पे गड्ढा, गटर जो होता है उसमें कपड़े भी मिले, कपड़ों के बेसिकली कपड़े के एविडेंसेस भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन अ थ्रो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है आलमगीरपुर, जो कि हमारी ईस्टर्न मोस्ट साइट है, ठीक है। रोपड़ की बात मैंने बोल दी थी, रोपड़ हमारा पंजाब वाले आपका सतलज रिवर के बैंक में पंजाब में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दाइमाबाद, तो दाइमाबाद भी याद आ गया होगा, अगर ईस्टर्न साइट क्या है, आलमगीरपुर है, तो सदर्न साइट कौन सी थी, दाइमाबाद। तो दाइमाबाद जो है बैंक ऑफ रावरा रिवर, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में। और यहाँ पर जो हमें मेजर फाइंडिंग्स में मिली है, ब्रॉन्ज इमेज जो हमें हर जगह मिल रही है बेसिकली, और उसके अलावा चैरियट, जो रथ होते हैं कॉपर के, जो चैरियट है ब्रॉन्ज के, जो चैरियट है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, रथ वगैरह देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए किसकी, अमरी की, तो अमरी हमें अगेन पाकिस्तान में इंडस रिवर के बैंक में मिल रही है, ठीक है। एनजी मजूमदार ने 1935 में इसको डिस्कवर किया था, और यहाँ पर हमें मिल रहे एविडेंसेस एंटीलोप और राइनोस के। अब ये एंटीलोप क्या है, देखो एंटीलोप ना, आप लोग अगर इसको गूगल में सर्च करेंगे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, थोड़ा सा लाइक थोड़ा डियर टाइप ही होता है, मृग के टाइप का ही होता है एंटीलोप, और राइनोस को तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो दाइमाबाद और अमरी अगेन, और एक नोट है यहाँ पे देखिए, आमलानंद घोष 1965 वॉज अ फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज बिटवीन अ प्री हरप्पन कल्चर एंड अ मैच्योर हरप्पन कल्चर, यानी कि अर्ली हरप्पन कल्चर और मिडिल, जो मैं आपको बता रही हूँ, प्री हरप्पन कल्चर और मैच्योर हरप्पन कल्चर में जो सबसे पहली बार डिफ्रेंशिएट किया था वो किसने किया था, आमलानंद घोष ने किया था। ये पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि भाई क्या प्री हरप्पन सिविलाइजेशन है और कौन सा आप मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन आप किसको कहेंगे, ओके। उसके बाद देखिए 1900 BC के बाद ये सिविलाइजेशन बिल्कुल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इस सिविलाइजेशन के ख़त्म होने का कारण क्या था, देखो एक तो मे बी हो सकता है कि फ्लड आया हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि सारे के सारे सिविलाइजेशन लगभग कहाँ पे हैं, हर एक सिविलाइजेशन किसी ना किसी रिवर के बैंक में है, तो मे बी फ्लड एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। दूसरा, एक पेंडेमिक आ गई, जैसे अभी कोविड आया था ना, कोविड-19 देख रहे थे आप कितने लोगों की डेथ हुई थी, तो वैसे ही मे बी कोई ऐसा पेंडेमिक आ गया हो जिसके वजह से बहुत सारे लोग एक ही साथ मर गए हो, ठीक है। उसके अलावा फॉरेन इन्वेजन, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आर्यंस आ रहे हैं, तो मे बी बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के, ठीक है। तो 1900 BC के बाद इस सिविलाइजेशन का बेसिकली डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, और धीमे धीमे करके 600 BC तक का तो पूरी तरीके से यह डाउनफॉल इसका शुरू हो गया था, ख़त्म हो चुका था मतलब, ओके। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करें, उससे पहले आप लोग पहले देख लीजिए अगर किसी को कोई डाउट हो तो।
सही कह रहे हो, इन लोगों की क्यूरियोसिटी ने हमारी प्रॉब्लम बढ़ा दी है ना, हमें ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। बेटा पहले एंशिएंट तो कर लो, मॉडर्न भी पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों से यही उम्मीद है कि कॉरिडोर पे क्या लगाओ, इंडियन फ्लैग लगाओ। लास्ट स्लाइड कौन सी बेटा, ये वाली? एंटीलोप बारहसिंघा? नहीं बारहसिंघा तो नहीं होता, कुछ अलग टाइप का होता है वो, थोड़ा डियर लाइक मतलब मृग के टाइप का, थोड़ा अलग सा होता है। देखना इसको गूगल सर्च करना, देखो एग्जैक्टली नहीं मालूम कि कौन सा वाला होता है, बट थोड़ा डिफरेंट होता है, बारहसिंघा से तो डिफरेंट होता है। बायलिंगुअल बेटा, मैं जितनी कोशिश हो रही हूँ उतनी कोशिश कर रही हूँ हिंदी में भी बोलने की, बट हाँ आपको हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में भी बताने की चीज़ें। तो बाकी आप लोग खुद एक दूसरे को बता दे रहे हो हिंदी में आधी से ज़्यादा चीज़ें। तो यहाँ पर राखी गढ़ी वाली साइड, ओके ये लीजिए राखी गढ़ी। चलिए मैं और ट्राई करूंगी और ज्यादा हिंदी में बताने की। आएगा आएगा, नेक्स्ट क्लास में आर्यन सी आएंगे, कहाँ के थे क्या थे तब आपको पता चल जाएगा। अरे पीडीएफ मिल जाएगा आपको, सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ए टू जेड जो जो क्लासेस हुई उन सब का। चलिए तो फिर अब हमारा है बेसिकली क्वेश्चन का टाइम, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। बेटा डॉकयार्ड मैंने बताया तो था कि जहाँ पे आपकी जो जहाज़ वगैरह होती है उनकी रिपेयरिंग की जाती है, उनकी मेंटेनेंस की जाती है, वो होता है डॉकयार्ड। लोथल क्या एक नावल साइड है, वहाँ पे क्या हो रहा है ट्रेड वगैरह हो रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ होना कॉमन है। ठीक है अरे ऐसा भी हो सकता है जहाँ इंसान को दफनाया वहीं पे बाद में कुत्ते को भी दफना दिया। अच्छा मतलब जहाँ पे इंसान को ढूंढ ढूंढ के उनको बताया होगा कि हाँ ये इसका डॉग है इसका कुत्ता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो साथ में ही दफनाने के एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। देखो इससे पहली बार के पेपर में आपके 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं एंशिएंट के। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस शुरू करते हैं और इसके आंसर आप लोग करेंगे, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली इनके आंसर कर लेंगे। ठीक है तो मैं आप लोगों की कमेंट चेक कर रही हूँ, आप लोग बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। द हरप्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, जल्दी आंसर करिए। देखो आंसर आने शुरू हुए हैं, देव प्रताप सिंह ने बोला है ए, नोबडी भी ए, ओके ए ए ए ए ए, तो लॉक कर दिया जाए ए को। बिल्कुल, तो आपका जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन ब्रॉन्ज का यूज करना सीख गया था। ठीक है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच Among the following site of Indus Valley Civilization, the rows of distinctive fire altars with provision of ritual bathing have been found. Fire altars आपको कहाँ देखने को मिले थे? Okay, A A A first question का answer सभी का आ गया है, चलिए आप second question का answer दीजिए। हाँ ठीक है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन करेक्ट है, चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आना शुरू हो गया बच्चों का, नोबडी सी, अगम अगम सी, ओके। अच्छा कुछ बी वाले भी हैं, मोहनजोदारो वाले भी हैं कुछ। सी 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 सी, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमने पढ़ा था ना कि 7 फायर अल्टर्स हमें कहां देखने को मिले थे, कालीबंगा में मिले थे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, कालीबंगा, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिगिल एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हरप्पन स्कल्पचर्स। तो बेसिकली बताइए, सिंपल क्वेश्चन है कि आपको कौन सा एनिमल नहीं देखने को मिला है हरप्पन कल्चर में। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर बताना शुरू करो। चलो थर्ड वाला, सेकंड वाले का हो गया है कालीबंगा, ओके। थर्ड सी, थर्ड का भी क्या है, काउ सी। मैंने बताया ना काउ एंड लायन के एविडेंसेस हमें देखने को नहीं मिलते। अगला, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, हाँ बच्चा हो गया काउ। अब बताओ फोर्थ वाले का आंसर, टाइगर कहां से आ जाएगा, टाइगर तो था ना, काउ और लायन के एविडेंसेस देखने को नहीं मिल रहे थे हमें। मैंने बोला था ना कौन सा एनिमल नहीं है वो पढ़ना है आपने, तो काउ एंड लायन नहीं था, तो यहां पे काउ आंसर होगा डायरेक्टली। फोर्थ का आंसर भी आना शुरू हो गया है, फोर्थ का आंसर है डी, ओके। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अनडिसाइफर्ड है, अननोन स्क्रिप्ट है। हमने बोला था कि क्या है इसकी स्क्रिप्ट, अननोन है। कौन सी स्क्रिप्ट यूज होती थी यहां पे, जल्दी बताओ, नाम बताओ स्क्रिप्ट का, नाम बताओ कोई, कौन बताएगा स्क्रिप्ट का नाम, स्क्रिप्ट का नाम, स्क्रिप्ट का नाम, कौन सी स्क्रिप्ट यूज होती थी। हाँ डी है, बट स्क्रिप्ट कौन सी यूज होती थी, पिक्टोग्राफिक। और स्टाइल कौन सा था लिखने का, स्टाइल कौन सा था लिखने का, गुड गुड, पिक्टोग्राफिक स्टाइल कौन सा था, गुड, बॉस्ट्रोफेडन, कौन सा था, बॉस्ट्रोफेडन, याद रखना बॉस्ट्रोफेडन स्टाइल है, और स्क्रिप्ट कौन सी है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, और दोनों ये पूरी की पूरी चीजें क्या है, अननोन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, चलो फोर्थ वाले का कौन सा है, फोर्थ, ओके, जो भी है फिफ्थ नंबर, इसका आंसर करिए। हाँ, राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फोर्थ वाले का आंसर, ये फिफ्थ है वैसे क्वेश्चन, फिफ्थ वाले का आंसर बताइए। ए बी, अच्छा देखो बहुत सारे बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, कुछ डी वाले भी हैं, ओके। इसको 1 2 3 कर लेना, ठीक है, 1 2 3। तो देखो स्प्रिट चाम, बोला था ना भूत प्रेत आत्मा सबको मानते थे, तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, भूत प्रेत आत्मा को मानने के लिए, बचने के लिए क्या करते थे, ताबीज धारण करते थे, एमुलेट ताबीज, तो मतलब ये भी करेक्ट है। इन अदर वर्ड
ये तो मैंने नहीं बोला था, तुम लोगों ने कब सुना? इन अदर वर्ड तो बोला ही नहीं था ना कि भाई दूसरे वर्ड में बिलीव करते थे, कहां से? इसी वर्ड में बिलीव करते थे, दूसरे वर्ड में बिलीव नहीं करते थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा, यानी कि जिन लोगों ने भी बी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, उसके बाद अगला बताइए। ये पाउंड है, टाइपिंग एरर। रिमेन्स ऑफ हॉर्स, हॉर्स बोन्स फाउंड फ्रॉम, कहां से मिले थे? बेसिकली रिमेन्स, रिमेन्स की बात हो रही है। पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बेटा एसएसबी गाइड ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फिफ्थ का बी बी बी। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? बी, सुरकोटाडा। सुरकोटाडा में हमें क्या मिले थे? रिमेन्स ऑफ हॉर्स। और हमें अगर पूछा जाए टेराकोटा फिगरेंस ऑफ हॉर्स कहाँ मिले थे, तो टेराकोटा का फिगरेंस ऑफ हॉर्स कहाँ पे मिले थे? जल्दी बताइए इसका आंसर। टेराकोटा फिगरेंस ऑफ हॉर्स, टेराकोटा, टेराकोटा जो मिट्टी के बोला था मैंने, मिट्टी के फिगरेंस कहाँ पे मिले थे? टेराकोटा फिगरेंस। ये तो रिमेन्स ऑफ हॉर्स मिले हैं, टेराकोटा फिगर्स कहाँ मिले हॉर्स के? लोथल में, ठीक है, कहाँ मिले? लोथल में मिले, बिल्कुल करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे को करेक्ट कौन सा होगा? यहाँ पे करेक्ट होगा सुरकोटाडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसका आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स करेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? फर्स्ट, दे पोजेस्ड ग्रेट प्लेसेस एंड टेम्पल्स, दे वॉर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर। कौन सा होगा करेक्ट आंसर? बताइए, चलिए इसका आंसर बताइए। सिक्स्थ वाले का, यूज एलिमिनेशन मेथड। अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, आपका एकदम सा आंसर निकल के आ जाएगा, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, जस्ट यूज एलिमिनेशन मेथड। तो सिक्स्थ वाले का बेटा, सिक्स्थ वाले का आंसर तो फोर्थ वाला हो चुका है, सिक्स्थ वाले का। सिक्स वाले का आंसर आना शुरू हुआ है बच्चों का, डी बी फोर। ये फोर कौन सा वाला बोल रहे हो आप? सिक्स वाले का आंसर फोर, यानी डी, नन ऑफ द अबव करेक्ट। ओके, अच्छा, तो चलिए यूज करते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन। दे पोजेस ग्रेट प्लेसेस एंड टेम्पल्स, बिल्कुल गलत है, नहीं पोज करते थे। दूसरा, दे वॉर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या बोला कि वहां पे हमें क्या देखने को मिलते थे? लिंगम और योनि के आपको एविडेंसेस मिले ना, स्टोन सिंबल। तो और उसके अलावा मैंने आपको ये भी बोला था टेराकोटा फिगर्स मिले हैं फीमेल के बहुत जगह पे, तो इसका मतलब है वॉरशिप में भी करते होंगे वो मेल और फीमेल डाइटीज की दोनों। अच्छा, मेल डाइटीज की बात करूँ, क्या हमें पशुपति की नहीं मिली है डाइटी? पशुपति की सील नहीं मिली है, तो वो मेल डाइटी की तो अंदर आई, तो ये क्या है? करेक्ट है। उसके बाद
दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर. वॉरफेयर कहां से आ गया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी, टू ओनली. ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं. किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, सिक्स वाले में, तो आप लोग पूछ लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो मैच द फॉलोइंग है, इसका आंसर करो. सेकेंड नंबर ऑप्शन फिर से बता दीजिए. देखो बेटा, हमने बोला था कि वहां पे हमें पशुपति की सील मिली थी ना, तो पशुपति की सील क्या है आपका? मेल डायटी के अंदर आई. और उसके अलावा मैंने ये भी बोला था कि वहां पे जो है लिंगम और योनि के आपको बेसिकली एविडेंसेस मिलते हैं स्टोन पे, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो हाँ, वो ऑब्वियसली हो सकता है. तीसरा मैंने आपको बताया था कि टेराकोटा फिगर्स मिले हैं वहाँ पे विमेंस के, तो वो भी है. तो फीमेल डायटीज तो बेसिकली यूज वहाँ पे वॉरशिप किया जाता होगा मेल और फीमेल डायटीज को. ठीक है, मैम वो तो नेचर वॉरशिप. हाँ तो नेचर वॉरशिप करते थे, तो वहां पे ये थोड़ी ना लिखा है कि ओनली मेल एंड फीमेल डाइटीज. अगर ओनली लिखा होता तो चलो हम कहते भी, वहां पे और भी तो चीजें मिल रही है ना, तो हम एक पॉसिबल रीजन मतलब पॉसिबिलिटी हम मान सकते हैं कि मे बी हो सकता है कि वो हाँ इस चीज की भी पूजा करते हो. पशुपति का सील मिल रहा है तो पशुपति कहीं ना कहीं पूजे जाते होंगे. चलिए अब सेवेंथ वाले का आंसर करिए. इसका आंसर आ रहा है सबका बी. तो फर्स्ट का मोहनजोदारो कौन से रिवर के बैंक में? इंडस. बिल्कुल करेक्ट है. तो यानी कि आपका सी और डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बचते हैं ए और बी ऑप्शन. उसके बाद हड़प्पा रावी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों में देखने को मिल रहा है. माने कि अब हमको कहाँ देखना है? रोपर और कालीबंगा में. तो रोपर हमारा कहाँ पे? सतलुज पे, और कालीबंगा घग्गर पे. तो बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है, कालीबंगा घग्गर पे है और रोपर सतलुज. रोपर पंजाब में पड़ता है और कालीबंगा राजस्थान में. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिए. The organic relationship between the ancient culture of the Indus Valley and Hinduism of today is proved by the worship of. तो किस चीज से प्रूव होता है आज के रिलेशंस और इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलेशंस? तो प्लीज आंसर करिए इसका जल्दी, एट क्वेश्चन का. ए ए ए ए ए ए थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए जरा ऑप्शन को, बढ़िया से ऑप्शन को ढंग से पढ़िए. जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है. अरे भाई, हिंदी वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, हिंदी वालों को क्या बताना है बताओ. मैं पूछ रही हूँ कि आज के और बेसिकली आज का जो टाइम है उस समय और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम था उस समय, उन दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं आज और उस समय की, किस चीज की वो पूजा करते थे? एट का ए ए
डी भी हो कोई कोई शिवा और शक्ति। अच्छा ये आंसर सही होता ए, अगर यहाँ पे इंद्र नहीं होता। इंद्र मैंने कब बताया आपको कि इंद्र की पूजा होती थी, हमने बताया था पशुपति, चलो ठीक है बिल्कुल करेक्ट है, मदर गॉडेस ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इंद्र की तो बात ही नहीं करी थी हमने, तो ये इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया ए ऑप्शन। तो अब देखो अगला क्या, विष्णु और लक्ष्मी, कहीं पे बात की है विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की, तो नहीं की है, ये भी गलत। शिव और शक्ति, कहीं पे बात की हमने शिव और शक्ति की, ये भी गलत। हमने बात की थी किसकी, स्टोन ट्रीज और एनिमल्स की, आज भी हिंदू धर्म में स्टोन की, ट्रीज की और एनिमल्स को पूजा जाता है ना, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। कोई डाउट है किसी को इस वाले क्वेश्चन में? कोई डाउट हो तो पूछिए इस क्वेश्चन में। लिंगम था, लेकिन कब बोला था शिव और शक्ति का लिंगम था, मैंने बोला था मेल और फीमेल, तो वहां पे हमने शिव और शक्ति की तो बात ही नहीं करी है, बात करी हमने पशुपति की, बात करी हमने प्रोटो शिवा की, लेकिन यहाँ पे हमने इंद्र की बात नहीं करी है, बात करी हमने स्टोन ट्रीज और एनिमल्स की, ये तो क्लियर आंसर है। नहीं बेटा मैं उत्तराखंड से हूं। Why not A? A सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इंद्र दिया हुआ है, अगर यहाँ पे पशुपति और मदर गॉडेस होता तो ये करेक्ट आंसर होता। इंद्र की बात हमने नहीं करी है कि इंद्र को भी पूजा जाता था, मैंने आपको पूरे लेक्चर में कहीं पर भी इंद्र का नाम लिया या मैंने कहीं पर भी विष्णु भगवान या लक्ष्मी माता का या शिव भगवान का या शक्ति का किसी का भी नाम लिया, नहीं लिया ना, तो बस उनको ध्यान रखिए इंद्र का नाम नहीं आया है। इंद्र क्यों लिखा आप लोगों को घुमाने के लिए? अगर मैं यहां पे इंद्र नहीं लिखती तो आप लोग कैसे, आपका तो आंसर ए होता ना, तो थोड़ा सा आपको भी तो पता चले कि हाँ ऐसे ही आंसर नहीं करना है, आधा अधूरा पढ़ के पूरा पढ़ना है। स्टोन की वॉरशिप कैसे होती है, आप लोग पत्थरों की पूजा नहीं करते हैं? हिंदू धर्म में तो पत्थरों की पूजा होती है, क्या बात कर रहे हो, स्टोन की वॉरशिप कैसे होती है बेटा, कहाँ से हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, एक ही क्वेश्चन में इतना नहीं देखेंगे। अगला चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स एलोबरेटेड सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम चैनलिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वर्स। तो आपको तो इतनी बड़ी लाइन देखनी नहीं है, इसका तो सीधे सीधे आंसर है, वाटर मैनेजमेंट देखा नहीं आंसर लगाना है, तो बताइए क्या आंसर होगा। क्या होगा यहाँ पे, सब लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही पकड़े हो, धोलावीरा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, धोलावीरा। धोलावीरा का पता है ना, वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, तो करेक्ट आंसर है धोलावीरा। नेक्स्ट फर्स्ट एजर्शन है आपका कि सिविलाइजेशन वॉज डोमिनेटेड बाय पीसेंट्स एंड मर्चेंट, दिस ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रो कॉमर्शियल सिविलाइजेशन। उसके अलावा रीजन क्या दिया है कि इंडस पीपल वर फर्स्ट हु प्रोड्यूस कॉटन विच ग्रीक टर्म्ड एज सिंडल, तो बताइए क्या होगा।
टेंथ का आंसर आना सबका शुरू। चलिए नाइन्थ का हो गया, आप टेंथ का आंसर करिए। टेंथ वाले का आंसर बताइए क्या होगा। हाँ तो बच्चे बताइए टेंथ वाले का आंसर। बी 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 बिल्कुल करेक्ट है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन सही है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल, क्योंकि आर तो कहीं से कहीं तक का ए को एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा है। हम बात कर रहे हैं ए में कि सिविलाइजेशन वॉज डोमिनेटेड बाई पीसेंट, पीसेंट यानी किसान वगैरह और मर्चेंट क्लास थी। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हाँ एक स्टेट कंट्रोल हुआ करता था, इसलिए हम इसको एग्रो कॉमर्शियल सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल और एग्रो दोनों का। लेकिन इंडस पीपल वर द फर्स्ट हु प्रोड्यूस कॉटन विच ग्रीक टर्म्स एज सिंडन, ये तो कहीं से कहीं तक का जमा ही नहीं इसके साथ। तो मतलब दोनों की दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। तो चलिए आप 11th क्वेश्चन को आंसर करिए। एग्रो कॉमर्शियल सिविलाइजेशन, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर पर बेस, कॉमर्शियल मतलब ट्रेडिंग पर बेस, कॉमर्शियल पर्पस के लिए। तो एग्रो मैंने आपको बताया था भाई वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, वहाँ पे वीट की खेती हो रही है, बाले है वहाँ पे, राइस है, सब कुछ उगाया जा रहा है। तो मतलब पीसेंट तो वहाँ पे रहते होंगे, और जब एग्रो पीसेंट रह रहे तो एग्रो इकोनॉमी होगी। और कॉमर्शियलाइजेशन की बात करें, कॉमर्शियल की बात करें जो ट्रेड वगैरह हो रहा है, तो मर्चेंट वगैरह, मर्चेंट क्लास ट्रेड वगैरह है, तो दोनों चीज़ें हैं। तो एग्रो कॉमर्शियल, कोई कोई चीज़ें कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके भी करनी पड़ती है, आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाती है। तो उस चीज़ को आप अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दिमाग को कि हाँ ये चीज यहां पे पूछी गई है, तो इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, इलेवेंथ ए। बिल्कुल, इलेवेंथ का क्या होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एजर्शन बोलता है द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक ऑफ द हरप्पन कल्चर वर्ड द सील मेड ऑफ स्टेटाइट, बिल्कुल स्टेटाइट की बनी हुई थी। हरप्पन स्क्रिप्ट इज अ पिक्टोग्राफिक बट येट नॉट टू बी डिसाइफर्ड, बिल्कुल सही है फर्स्ट। ठीक है, द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन द फर्स्ट लाइन एंड लेफ्ट टू राइट इन सेकेंड लाइन, दिस स्टाइल इज नोन एज वोस्ट्रोफेडन। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्या होगा, बोथ ए एंड बी आर, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक का, क्योंकि यहाँ पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट की बात की गई है और यहाँ पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को डिटेल में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट है, पीपल ऑफ दी सिविलाइजेशन हैड डेवलप्ड देयर ओन काइंड ऑफ वेइंग एंड मेजरमेंट सिस्टम, खुद का नाप तोल का सिस्टम था, विच वॉज द मल्टीपल ऑफ 16, जो कि मल्टीपल का गुणज था, मतलब सॉरी जो कि 16 का गुणज था, मल्टीपल ऑफ 16। और रीजन ये है कि डेड बॉडीज वर बरीड और क्रीमेटेड इन नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन, बताइए आंसर। लुल सवाल, अच्छा चलिए फिर लुल सवाल का आंसर करिए जल्दी से। हाँ लुल ही सवाल है, सच में लुल सवाल है। अगर इसका आंसर गलत करोगे फिर तो फिर आप भी लुल। बी 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 बी
बिल्कुल करेक्ट है बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों के दोनों सही है, लेकिन आर कहीं से कहीं पर भी ए का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कहाँ वो बात कर रहा है वेइंग और मेजरमेंट की, कहाँ ये बात कर रहा है डेड बॉडी की, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो ये सच में क्या है, एक लूल सवाल है, इसका आंसर भी लूल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। विच प्लेस इन हरप्पा सिविलाइजेशन वर स्केल प्लापन मेड ऑफ एलिफेंट्स टस्क वॉज फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन। ये क्वेश्चन आपको बताया नहीं गया, बट क्वेश्चन मैंने मतलब ये आपको बताया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो एक बार आप लोग ट्राई कर लो, फिर करेक्ट आंसर तो मैं बता ही दूंगी। एक बार आप लोग तुक्का मार के देख लो। नहीं पता, ट्राई तो करो एक बार, ट्राई जस्ट ट्राई। चलो तुम सबका तुक्का गलत लगा है, तो तुक्का इसका जो करेक्ट आंसर वो है लोथल और मोहनजोदारो। ठीक है, लोथल और मोहनजोदारो में आपको एलिफेंट टस्क के बेसिकली स्केल पान आपके एक वेइंग बेसिकली मेजर करने के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं वो आपको मिली हैं, मेजरमेंट के लिए या वे करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो एलिफेंट टस्क के जिसको हम कहते हैं ना तोलने के लिए जो यूज़ होता है एलिफेंट टस्क का बना हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है लोथल एंड मोहनजोदारो। तो 13 का क्या होगा, ए। चलिए अब 14 का बताइए, 14 तो पढ़ा है आपने। हाँ, जिसका सही लगा खुश हो जाओ, पर एग्जाम में तुक्के मत लगा के आना। चलिए इसका बताइए, इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज्ड फॉर द इंडस वैली पीपल। तो बेसिकली इंडस वैली के लिए कौन सा टर्म यहाँ पे यूज किया गया है। 14 का क्या होगा, इंडस वैली के लोगों के लिए कौन सा टर्म यूज किया है। बी 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 करेक्ट, मेलुआ टर्म यूज किया गया इंडस के लोगों के लिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग ट्रेड करते थे ना उनके साथ, वो लोग इंडस पीपल तो बोलते नहीं थे, वो क्या बोलते थे, मेलुआ बोलते थे। अगला क्वेश्चन का आंसर, विच वन अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हरप्पन सेटलमेंट। फर्स्ट है डोरवे एंड विंडोज जनरली फेस द साइड लेन्स एंड रियरली ओपन इन टू द मेन स्ट्रीट। हाउसेज जनरली हैड सेपरेट बाथिंग एरियाज एंड टॉयलेट्स। The citadel was wet, but the lower town was not wet. Drain and water churns from the second story were often built inside the wall. अब बताइए, use elimination method. सीधे elimination method का use करोगे, आपका question का answer आ जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए 15 वाले का, 14 आप लोगों को आता है, 15 का आंसर बताइए। ए नॉट पूछ रहा है बेटा, नॉट। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ हरप्पन सेटलमेंट। इसका करेक्ट आंसर, पहले हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके एलिमिनेट कर लेते, तो पहला है डोरवे एंड विंडो जनरली फेस द साइड लेन एंड रियरली ओपन इनटू द मेन स्ट्रीट। बताया था मैंने आपको, साइड में ओपन होती थी, मेन स्ट्रीट में ओपन नहीं होती थी, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला है हाउसेज जनरली हैड सेपरेट बाथिंग एरियाज एंड टॉयलेट। ये भी मैंने बताया था, जब मैंने आपको ये भी बोला था कि आज भी लोगों के पास सेपरेट बाथरूम देखने को नहीं मिलते, लेकिन उस समय के लोगों के पास थे, तो ये भी करेक्ट है। अगला, द सिटेडल वॉज बैड बट द लोअर टाउन वॉज नॉट बैड। मैंने बताया था दो तरीके के सिटेडल थे, अपर साइड वाले सिटेडल अच्छे तरीके से बने हुए थे, मैंने ये भी बताया था कि मे बी वहाँ पे हो सकता है कोई रूलिंग
क्लास या फिर मर्चेंट क्लास रहती हो, और दूसरा जो लोअर टाउन के थे वो उतने अच्छे तरीके से नहीं बने हुए थे, वहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे, आम जनता रहती थी, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा होता है? डी वाला। तो ऑप्शन डी इसका क्या हुआ? करेक्ट आंसर होगा। ड्रेन एंड वाटर जंप्स फ्रॉम द सेकंड स्टोरी वर ऑफन बिल्ट इनसाइड द वॉल। नहीं, वॉल के अंदर नहीं, ऐसे इनसाइड द वॉल, ये थोड़ी ना बना हुआ था, ये तो हमने बात ही नहीं की थी। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? करेक्ट आंसर डी होगा। तो अब आपका सही आंसर आना शुरू हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, 15 का डी। डी करेक्ट आंसर, आई मीन डी एस में से जो नहीं है फीचर किसका? हरप्पन सिविलाइजेशन। ओके, अब 16 का आंसर बताइए। हाँ, तो क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड करिए, आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है, क्वेश्चन को रीड करिए। ठीक है, बताइए। चलिए 16 वाले का आंसर बताइए। बोर्ड पे देखने का मन नहीं कर रहा, अब ये भी बड़ी समस्या है, ये समस्या का कोई समाधान नहीं है टीम अर्पित के पास। बेटा लोअर टाउन फोर्टिफाइड थे, लेकिन वो बोल रहा है कि उतने अच्छे तरीके से फोर्टिफाइड नहीं थे। मैंने बोला था ना कि जो अपर टाउन वाला एरिया था, जो अपर साइड में थे सिटेडल, वो अच्छे तरीके से फोर्टिफाइड थे, लेकिन लोअर टाउन वाले फोर्टिफाइड नहीं थे उतने अच्छे तरीके से। वो वेल अच्छे तरीके से बात कर रहा है कि कौन सा अच्छे से था कौन सा नहीं था। The terracotta plow of the Harappan civilization was founded. कहाँ मिला था terracotta plow? मिट्टी का जो हल था कहाँ मिला था? कालीबंगा में। terracotta plow बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का 16 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिर से वापस 16 आ गया। चलो कोई नहीं, नंबरिंग की गड़बड़ी हो गई है। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट वन लिस्ट टू करेक्ट कोड आपको बताना है। तो चलिए मैच द फॉलोइंग। इसको 17 कर लो। ठीक है, 17 का आंसर बताओ। इसको 17 करके चलिए आंसर बताइए इसका। हड़प्पन सिटी और लोकेशन बतानी है आपको। सेवनटीन सी। तो देखिए पहले तो एलिमिनेट ही हो जा रहे हैं, डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड का यूज हो रहा है। आपको पता है अगर मांडा जम्मू कश्मीर में है, यानी कि एक ऑप्शन थ्री है और ये केवल एक में है, तो ये भी हटा, ये भी हटा, ये भी हटा, बचेगा थ्री। तो जिन्होंने भी थ्री आंसर किया वो बिल्कुल करेक्ट है। 17 का सी। बेटा डी कैसे होगा 17 का? मांडा महाराष्ट्र में कहां से आ गया? चलिए नेक्स्ट। विच मेटल हैज नॉट बीन फाउंड टिल डेट इन हरप्पन एज साइट? इसका आंसर क्या है? कौन सा मेटल की नॉलेज नहीं थी उनको, जल्दी बताइए इसका आंसर। 18 कर लीजिए इसको, 18 और देन इसको 19। किस मेटल का नॉलेज नहीं था? बिल्कुल आयरन, करेक्ट है आयरन आपका। ठीक है, नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन? कौन सा मेटल यूज किया था? ये बताया था मैंने आपको, सबसे पहला मेटल जो ह्यूमन ने यूज किया था कौन सा था? जल्दी आंसर करिए 19 का।
19 का आंसर करिए जल्दी. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन. तो कौन सा मेटल यूज किया था सबसे पहले? कॉपर. बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी, आप लोगों का कॉपर का यूज किया था सबसे पहले इंसान ने. चलिए 19 का क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर करिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मोहनजोदारो, हरप्पा, रोपर, कालीबंगा आर लीडिंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. द हड़प्पा पीपल डेवलप प्लान टाउन एंड नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट एंड ड्रेन्स. द हड़प्पा पीपल डिड नॉट नो द यूज ऑफ मेटल. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 19 का? कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये पूछ रहा है. अब देखिए आ रही है आवाज, आ रही है अब वॉइस. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो. नेक्स्ट. Out of the following remains excavated in Indus Valley Civilization which indicate the commercial and economic development. अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज? साउंड नहीं आ रही अभी भी. चलिए चलो फिर आ गई तो बताओ 22 का आंसर बताओ कि ऐसा कौन सा बेसिकली कॉमर्शियल और इकोनॉमिक, ऐसा कौन सा आपका कॉमर्शियल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडिकेट करता है. ऐसी कौन सी चीज है? इकोनॉमिकल और कॉमर्शियल पूछ रहा है तो ध्यान से.
बिल्कुल, क्या है 22 का आंसर? बी, बिल्कुल सही है, सील्स। तो सील्स जो है वो बेसिकली क्या दिखाती है, कॉमर्शियल। और आपको भी पैसे क्या दिखाते हैं, पैसे समझिए सील्स से, पैसे तो बताते हैं ना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कितना है किसी भी कंट्री का, तो वही है सील्स यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा 22 का बी। ओके, तो बेसिकली हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, इसमें आपके आधे सारे मैंने PYQ ले लिए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी आए हुए हैं। उसके अलावा हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पे बहुत सारे ट्राई किए हैं। अब आप लोग इसको वापस से अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देखिए लेक्चर को, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू कॉमेंट एंड लाइक करिए, और जितना हो सके शेयर करिए वीडियो को, ताकि सब आपके सभी दोस्त पढ़ पाएँ। और बाकी जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक का के लिए धन्यवाद।